नमस्कार प्रदीप जी, क्या हाल है आपके? हेलो कादिर भाई, कैसे हो आप? कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार, आप बताइए आप कैसे हैं? हेलो नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? ओके प्रदीप जी, बहुत अच्छा, बढ़िया ही रहिए सर। आप बढ़िया रहोगे तो हम तो अपने आप ही बढ़िया हो जाएंगे अपने आप। सैफ जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ जी सैफ जी बोलिए। हेलो शोभित जी, कैसे हो? कुलदीप जी कैसे हैं आप? हेलो अजीत जी, यार कल लाइव नहीं आ पाया, उसके लिए भी माफी चाहूंगा पहले तो आप सभी से। ओके कुलदीप जी, बहुत अच्छा, आप बढ़िया रहिए, गुड रहिए, फाइन रहिए, जितना अच्छे से अच्छा रह सकते हैं उतना रहिए। अनिल जी कह रहे हैं, हेलो सर, मुझे HDMI केबल पे कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज मुझे बताएं HDMI और ऑप्टिकल केबल कौन सा यूज करें जिसमें मुझे क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी मिले। अजीत जी सबसे पहली, सॉरी अनिल जी, सबसे पहले तो देखिए कि आप कोई भी केबल यूज कर रहे हैं, चाहे वो HDMI है, चाहे वो ऑप्टिकल है, चाहे वो कोएक्सल है, इनके अंदर क्वालिटी के अंदर तो कोई बहुत ज्यादा आपको कभी भी फर्क महसूस नहीं होगा। दोनों का सबका मतलब कि काम अलग अलग होता है, कि जो भी हम ऑडियो सोर्स यूज कर रहे हैं उसकी कनेक्टिविटी के लिए हमें AVR जो है उसमें तीनों ऑप्शन दिए होते हैं, कि आपका सपोज करते हैं ब्लू रे है, तो ब्लू रे में क्या कनेक्टिविटी दे रखी है उसी हिसाब से वो तीनों दिए होते हैं। क्वालिटी लगभग लगभग सभी की सेम होती है, बट ये है कि आप कौन से फॉर्मेट को चला रहे हैं और आप जो सोर्स दे रहे हैं वो कौन सा है।
पंडित जी बहुत बढ़िया, जय श्री राम। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। सैफ जी, विच होम थिएटर बेस्ट बिटवीन लॉजिटेक और वी सोनी IV300। सैफ जी देखिए, सबसे पहले इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है पहले, मे बी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियो एक बार देख लो। उसके अंदर दोनों के अंदर हमें क्या डिफरेंस मिल रहा है, वो साथ ही साथ उस दोनों के अंदर में जो कमी है या जो अच्छाइयाँ हैं वो सारी जो सी है वो मैंने वीडियो में बताई हुई है। तो आप एक बार वो वीडियो को थोड़ा सा केयरफुली देख लीजिएगा तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी उसकी। तो उसके हिसाब से आप अपना अपनी नीड के हिसाब से उसे चेक कर लीजिए, तो आपको एक थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी डिसाइड करने में कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा। तो वो वीडियो, मेरी सलाह है कि आप वो वाली वीडियो आप प्रॉपर देख लें एक बार पहले। कादिर भाई बताइए, क्या लेजर प्रोजेक्टर के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं प्लीज ये बताइए मुझे पहले आप। अजीत जी हेलो, कैसे हो अजीत जी आप। हाँ यार, मैं कहता कि कल भी जो लाइव, जैसे कि सैटरडे को भी आते हैं, तो कल मैं लाइव आया नहीं था, उसके लिए पहले तो माफी चाहूंगा आप सभी से। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम, अभी किसी फंसा हुआ हूँ कहीं पे, तो इस वजह से नहीं आ पा रहा, थोड़ा काम की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, फोन भी मोस्टली ऑफ ही रह रहा है, तो सॉरी इसके लिए। थोड़े दिन में सारा फिर से दोबारा पहले जैसी रूटीन में आ जाएगा सब कुछ। हाँ जी जी बाकी तो सब कुछ ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। हाँ जी कादिर भाई, LED जो प्रोजेक्टर हैं हमारे, उनसे ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो ज़्यादा अच्छे होते हैं, और साथ ही साथ थोड़े महंगे भी होते, थोड़े क्या काफ़ी महंगे भी होते हैं उनसे वो, बट परफॉर्मेंस जो सी है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है उनके अंदर। बाकी अभी तक जो सच्चाई बताऊँ तो मैंने अभी तक कहीं पर भी लगाया नहीं है इसको, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा आपको, जितना कि सुना है या जितना कि पढ़ा है उसके हिसाब से अगर बात करते हैं तो LED प्रोजेक्टर से काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं, कॉस्ट भी जो सी वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अभी पर्सनली खुद मैंने यूज़ किया नहीं है, बाकी अगर कभी यूज़ करता हूँ इसको इंशाल्लाह तो ज़रूर आपके साथ भी एक बार इसका रिव्यू मैं शेयर करूँगा सभी के साथ में। अजीत जी सब बढ़िया भाई, बहुत अच्छे अजीत जी, बढ़िया ही रहिए बस। नवीन बाली जी भाई, बड़े न्यू बॉक्सेस रखे हैं क्या भाई, कहाँ पर रखे? ये सर पार्सल रेडी किए हुए हैं नवीन जी भेजने के लिए, जो कुरियर्स वगैरह हमारे जाते हैं तो वो पार्सल थोड़े से रेडी करके रखे हुए हैं। आज एक्चुअली संडे था तो आज इसलिए जाते नहीं है, संडे को बंद होता है कुरियर वाले, तो कल जाएंगे, अभी ये रेडी करके रखा हुआ है, 5-6 पार्सल हैं टोटल। एक्चुअली जो उनसे उनसे पैक हो जाते हैं उनको पैक करके इसी तरीके से फिर रख लेते हैं, तो जब भी वो कुरियर वाले कंपनी वाले आते हैं तो ये जैसे कि इसमें आप देख रहे हो, तो ये ऊपर अभी मैंने रख लिए हैं थोड़े बहुत, तो पैक करके ऊपर रख लिए थे यहाँ पर, तो जैसे जैसे भी चक्कर बनता रहेगा ये अपना चल जाते रहते हैं फिर वहाँ से।
अभी एक दो तो चीजें और हैं उनको अभी करना है, पैक हुआ नहीं है वो, कल देखो मे भी पैक होगा। कोई लिस्ट बना के रखो जो है, हम भी कुछ देख लें। ये नवीन जी जो इससे पहले वाली जो से लाइव है ना, उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, मैंने एक लिस्ट डाली है उसके अंदर, तो आप एक बार यार वो देखोगे तो शायद मे भी आपको पता लग जाए। अगर आप अभी चेक करोगे तो एक बार अभी चेक करके मुझे भी बता देना, क्योंकि मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैंने वो डाल दी है कि अभी डालनी है। जहाँ तक मुझे आइडिया है, जितना ध्यान में आ रहा है मेरे, कि मैं शायद डाल चुका हूँ वैसे उसे, तो प्लीज एक बार आप भी चेक करके बता दो मेरे को कि इससे पहले वाली जो सी लाइव है उसी में डाली है मैंने शायद, या उसमें डाली है, या जो अभी मैंने एक छोटी सी एक वीडियो भी पोस्ट की थी कल, जिसके अंदर थैंक यू ही कहा था सभी भाइयों का, तो एक बार उसकी डिस्क्रिप्शन में देखना, तो शायद उस वाली डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिस्ट होगी। नवीन जी क्राउन आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, मगर एक बार बस मुझे ये बता दो कि कहाँ लगाने के लिए ले रहे हो और क्या चलाने के लिए ले रहे हो और क्या सोच के ले रहे हो, कि क्या चीज़ उसमें अच्छी लगी आपको, तो वो एक बार मेरे को प्लीज बताओ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हाँ वो ठीक रहेगा लेना या नहीं रहेगा। हाँ आप एक बार चेक कर लो लिस्ट को, वहां पे पता लग जाएगा सर आपको। हेलो 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 नरेंद्र अंकल जी, क्या हाल है सर? अरे सर आपकी भी वीडियो देखी है मैंने, काफी अच्छी वीडियो आप बना रहे हो, नॉलेजेबल भी हैं, बाकी एक नॉर्मल बंदे के लिए तो शायद थोड़ा सा कम हो, जैसे कि मेरे लिए उसमें ज्यादा मतलब कि वो नहीं आता, बट जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी आप वीडियोस बना रहे हो यार। आम आदमी के लिए भी वैसे तो काफी ज्यादा बेटर है, क्योंकि आम आदमी को भी ये पता होना चाहिए कि भाई मेडिकल लाइन जो सी है वो किस तरीके से काम करती है, क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो किसी को भी नहीं पता होता, तो आप जो वीडियोस में वो बता रहे हो यार, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी एक जानकारी आप दे रहे हो। तो ये सभी भाइयों को भी यार मैं बताना चाहूंगा कि नरेंद्र दत्त जी, अभी देखा होगा आपने कमेंट आया है उनका एक, तो इनका भी यूट्यूब चैनल इन्होंने रिसेंटली अभी भी शुरू किया है, तो ये एक डॉक्टर है, काफी अच्छे लेवल के डॉक्टर है, तो ये अपनी कुछ पर्सनली जो इनकी नॉलेज है वो भी वहां पर शेयर करते हैं वीडियोस के अंदर में, और कुछ टिप्स वगैरह भी जैसे भी होती हैं, अभी नया नया चैनल है, धीरे धीरे करके आपको काफी कुछ मेडिकल लाइन के बारे में भी जानने को मिलेगा। अगर कुछ आप जानना चाहते हैं किसी भी इस तरीके की मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई भी चीज़, तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, तो एक बार विजिट करके देखिएगा, मे बी आपके यूजफुल हो वो वीडियो सारी वहाँ पर। नरेंद्र दत्त जी के नाम से ही चैनल है, आप देख सकते हो एक बार। हेलो रैना जी, सर पार्सल आपका मिला नहीं मिला अभी तक आपको? रैना जी पार्सल मिल गया आपको? स्पीकर्स कितने वाट के लगेंगे उस पर भी वीडियो बनाए? कालीन भाई समझा नहीं मैं बात आपकी, कि एम्पलीफायर जो भी मतलब आप यूज करते हैं उस पर कितने वॉट के स्पीकर लगाने चाहिए, आई थिंक यही पूछ रहे हैं आप, तो अगर तो यही पूछ रहे हो तो इसका यार जवाब मैं आपको अभी पहले दे ही देता हूँ कि मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि अगर हमारे जो स्पीकर हैं वो सपोज करते हैं कि 100 वॉट्स के हैं, तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि इसको 100 वॉट का ही एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, ऐसा ना कि वो जो सी 100 वॉट्स होता है वो हमारे स्पीकर की पावर हैंडलिंग होती है, उसकी एक औकात होती है वो, कि वो 100 वॉट्स तक की पावर को आराम से झेल सकते हैं, वो उसकी आउटपुट वोल्टेज नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि आपको, जहां तक मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, तो मेरे हिसाब से अगर आपके एम्पलीफायर जो सॉरी आपके जो स्पीकर्स हैं वो अगर 100 वॉट्स के हैं, तो आप उस पर एम्प जो यूज करो वो या तो आधा करो या फिर उससे तकरीबन 30-40% नीचे का एम्पलीफायर यूज करो। सपोज दैट आपके जो स्पीकर्स हैं वो 100 वॉट्स के हैं, तो उस पर आप 50 वॉट, 60 वॉट या 65 वॉट इस तरीके का एम्पलीफायर यूज करो, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। उसका रीजन ये होता है कि स्पीकर जो है आपका वो 100 वॉट तक की पावर को झेलता है,
अगर आपका एम्पलीफायर उससे ज्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिकली, अगर जब आप लाउड करोगे उसको, तो वो जो वोल्टेज है वो उससे ओवर भेजेगा उसे। अगर आपका एम्पलीफायर जो है वो पहले ही उससे 25, 30, 40% कम पावर देता होगा, तो उसमें आप जब आवाज को लाउड करोगे तो ना तो आपके स्पीकर्स की आवाज जो है वो फटेगी, ना ही वो डैमेज होंगे। तो मेरे हिसाब से 30-40% का डिफरेंस हमें स्पीकर और एम्पलीफायर के अंदर लेके चलना चाहिए, जरूर है ये, जरूरी है मतलब की। रहना जी नहीं मिला अभी आपको, तो मे भी शायद मिल जाना चाहिए था वैसे अभी, आज तो मेरे ख्याल से संडे है, शायद मैं भी देखो कल तो मिल ही जाएगा फिर आपको ये। नरेंद्र दर्जी चैनल नेम इज आज फ्रेंड्स, यार मैंने वो चैनल नेम अभी आपको जो सब बताया वो नरेंद्र दर्जी के नाम से नहीं है एक्चुअली, वो जो है वो है आस्क डॉक्टर, डॉक्टर दत्त उनके नाम से चैनल है वो। थैंक यू नरेंद्र जी, एक बार कंफर्म कर दिया आपने। मेरा कमेंट मिस कर दिया आपने सर। कालिम भाई माफी चाहूंगा, एक बार दोबारा देख लेता हूँ मैं स्पीकर की। सर यही आया आपका कमेंट कि स्पीकर्स कितने वाट के लगाने चाहिए, इसका जवाब मैंने दिया है यार, ऐसे रिमोची तो मत कहो। अच्छा नहीं सॉरी सॉरी सर, एक और एक कमेंट मैंने आपका कर दिया, यस 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 मिस कर दिया मैं पढ़ लेता हूँ दोबारा एक बार। अमित भाई रूम साइज के हिसाब से 2.5.2, 7.2, 9.11 टाइम पे पर वीडियो बनाए, बिल्कुल कादिर भाई ये जो सी वीडियो है ये बननी है, ये जरूरी भी है बननी, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि उनके रूम के हिसाब से क्या किस कॉन्फ़िगरेशन का हमें सेटअप लगाना चाहिए। तो ये तो वीडियो पक्का ही है कि बनानी ही पड़ेगी ये वाली वीडियो, क्योंकि मेरे पास कॉल्स वगैरह आते हैं तो मान लो किसी का कमरा होता है कि 10 बाय 10 का कमरा है, किसी का 10-15 का कमरा होता है, तो उस हिसाब से वो कोई मुझसे कहता है कि यार मैं यहाँ पर 7.2.4 लगाना चाहता हूँ, कोई कह रहा होता है मैं 7.2 लगाना चाहता हूँ, जबकि उस कमरे के हिसाब से वहां पर वो चीज लग ही नहीं सकती है। लग नहीं सकती से मेरा मतलब है कि जो एक टेक्निकली बात है, लगाने को तो आप जितने मर्जी स्पीकर ही रख लें, आप कहीं भी रख दो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्पीकर्स के अंदर जब गैप ही नहीं होगा ना, तो आपको जो इफेक्ट्स होंगे उसका कभी भी प्रॉपरली पता नहीं लग पाएगा। तो ये वीडियो जरूरी है बनानी, तो मैं बहुत जल्दी, जैसे भी थोड़ा अभी बताया आपको कि प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो जैसे ही ये सब कुछ निपटता है तो वीडियो डेफिनेटली आएगी, जो टॉपिक्स लिखे लिख रखे हैं पहले से तो उनके ऊपर तो यार वीडियो बनेगी बनेगी। जी सर मैंने नरेंद्र जी वही बताया कि अभी जो सा आगे जाकर है वो सभी जो एक नॉर्मल आदमी है जो से हमारे जैसे हैं, जो कि मेडिकल लाइन से नहीं कनेक्टेड है, उनके लिए भी काफी कुछ होगा। बाकी आप अपने सवाल जो से आपके वो भी आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हो, वहां पर किसी भी बारे में आप जानकारी चाहते हो, तो काफी एक्सपीरियंस बंदे हैं, अच्छे लेवल के डॉक्टर हैं, तो आप जब एक बार देखोगे चैनल पे वीडियो चेक करोगे जाकर उनके, तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता लग जाएगा। नहीं अंकल जी थैंक यू की क्या बात है यार, आपने इतनी हेल्प हमारी है तो हम भी करेंगे। मैं तो यार वैसे भी यार एक चीज आपको बताता हूँ कि मुझे ये जब से भाई मैं चैनल ये चलाया मैंने इसको और काफी टाइम लगाया देखिए यहाँ तक पहुंचने में भी, तो मुझे पता है कि जब भी कोई चैनल बंदा खोलता है ना यार, तो एक हम उसकी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो बहुत जल्दी क्लियर नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूट्यूब के अंदर बहुत ज्यादा जो सा है वो इस टाइम वो है क्या होता है वो कॉम्पिटिशन कह सकते हैं हम, कि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, कि आप किसी भी लाइन के अंदर नया चैनल खोलते हो ना तो उससे पहले बहुत से पुराने बंदे बैठे होते हैं जो कि मिलियंस में अपने व्यूअर्स अभी लेकर बैठे हैं, तो नए बंदे को काफी मुश्किल होती है, जैसे कि मुझे भी बहुत मुश्किल हुई है, अभी भी हो ही रही है, अभी भी चैनल जो है वो कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है ये, बाकी जो अभी तक जितनी भी फैमिली मिली है इसके अंदर वो काफी सारे सपोर्टेबल बंदे हैं, मदद कर रहे हैं सारे, अच्छे बंदे मिले हैं अभी तक जितने भी हैं सारे, बट फिर भी मैं खुद भी जो भी पर्सनली यूट्यूबर है, अगर कोई नया यूट्यूबर है तो यार मेरे से जितना हो सकता होगा मैं उसके लिए बिल्कुल करूंगा यार ये चीज, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने भी काफी लोगों से मदद मांगी, इवन जो यूट्यूबर्स हैं जिनके काफी अच्छे चैनल चल रहे हैं उनसे भी मांगी है, तो वो किसी का रिप्लाई तक नहीं आता है। आप ये लगा लो कि वो वीडियो के अंदर सिर्फ बोल तो रहे होते हैं कि मैं यहाँ आपकी सेवा में बैठा हुआ हूँ या ये बैठा हूँ आप ये करो, इवन वीडियोस वो बना रहे हैं जो कि वो यूट्यूबर्स के लिए वीडियो बना रहे हैं कि आप चैनल को ऐसे ग्रो करें या ये करें, जब आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हो ना तो आपको कभी भी रिप्लाई नहीं आता उसका, तो यार ऐसे बंदे का फायदा ही क्या हुआ जो आपकी बात का रिप्लाई ही नहीं दे रहा, तो ये चीज मैं खुद भी समझता हूँ, इसलिए मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा सभी के लिए।
रूम साइज के हिसाब से कितने वॉट स्पीकर लगाएंगे। कादिर भाई देखो, एक जो प्रैक्टिकली बात अगर मैं करूँ ना, तो ये चीज कभी भी हम नहीं डिसाइड आउट करते हैं कि आपका रूम साइज क्या है और उसके हिसाब से कितने वॉट के स्पीकर लगाए जाए, ऐसा नहीं होता। ये हमारी टोटल जो हमारी प्लेसमेंट होनी है, मतलब कि हम जो एम्पलीफायर लगा रहे हैं उसके हिसाब से हम स्पीकर की वोल्टेज को डिसाइड करेंगे कि हमारा एम्प जो है वो इतने वाट्स का है, तो हम उसके हिसाब से इतने वाट के स्पीकर लगाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो लाउडनेस के ऊपर है कि लाउड कितना बजे कमरे के हिसाब से, कि जाहिर सी बात है कमरा बड़ा होगा तो आपको ज़्यादा लाउड चाहिए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सेंसिटिविटी की तरफ जोर दिया जाता है कि जितनी हाई सेंसिटिविटी के स्पीकर होंगे उतना ज़्यादा हम उसे प्रेफर करेंगे बड़े कमरे के लिए। बाकी वाटेज जो है वो इतना मैटर नहीं करती है कि हम एक वाटेज को देखकर कमरे के अंदर डिसाइड करें कि इस रूम के अंदर ये वाटेज का स्पीकर लगेगा। सर ये आपका इकलौता चैनल है यूट्यूब पे। कादिर भाई मतलब इकलौता तो नहीं है ना, ऑडियो से रिलेटेड तो भरे पड़े हैं चैनल यूट्यूब के अंदर। आप एक बार होम थिएटर लिखने की दे रहे हैं आपको, वहां पर होम थिएटर लिखो आप एक बार, वहां पर ना ना करते मेरे को लगता है कोई 150-200 चैनल आपको शो हो जाएंगे वहां पर ऑडियो से रिलेटेड है जो से। नहीं कादिर भाई ऐसा नहीं बोल सकते, देखो फेक नहीं कहा जा सकता उनको कि वो फेक है चैनल फेक है, बट ये कहा जा सकता है कि हर एक मतलब कि चैनल यार अपने अपने हिसाब से जो भी जिस लाइन के बंदे हैं या जिनको जितना भी है पता है जो सा, तो वो उस हिसाब से अपना अपना काम करे। फेक तो कहना ठीक नहीं रहेगा ऐसा कि फेक है वो, क्योंकि वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे जिसमें बोला जा सके कि हम वो बंदे ठीक नहीं है या क्या है वो। तो चैनल अगर है तो यार फेक तो नहीं, मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा कि उनको क्या बोला जा सकता है, मगर फेक तो आई थिंक नहीं कहा जा सकता उसको शायद, जहाँ तक मेरे को लगता है। बाकी ये कि जानकारी कुछ चैनल है जो सी सही नहीं दे रहे हैं, तो बट उनको भी फेक बोलना आई थिंक सही नहीं होगा। उनको ये कहा जा सकता है कि उनको खुद को भी नहीं पता कि एक्चुअल में है क्या, तो इस वजह से उन्हें जितना जिसको पता होता है वो उतना बता देता है। मेरी भी जो सी दी गई जानकारी होती है वो जरूरी नहीं है कि वो 100% हमेशा ठीक होती हो सकता है कि मैं भी बहुत सी बातें ऐसी बोलता हूँ जो उनसे मुझे तो लगता हो कि हाँ वो ऐसी हैं, बट वो एक्चुअल में सही ना भी होती हो, तो मेरे साथ भी शायद हो सकती है ये बात। तो उसमें यार आप मेरे को फीड मत कर देना। प्रदीप जी 18x12 साइज का थिएटर रूम 5 मेंबर्स फैमिली के लिए ठीक रहेगा? 12x हो गया इधर, 18 हो गया ये, 5 मेंबर अगर आप बनाते हो सर तो 3 इधर आते हैं 2 इधर आते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल सर ठीक है ये साइज आपका प्रदीप जी, ठीक है 18x12 का 5 बंदों के लिए अगर आप वहाँ पर सिटिंग लगाते हो तो ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि सेटअप आप जो लगा रहे हो वो क्या लगा रहे हो, कौन सा लगाते हो, कैसे लगा रहे हो, तो उसमें भी हमारा थोड़ा सा फर्क आ जाता है। कुछ कंडीशंस में हमें सेटिंग को थोड़ा सा पिछली दीवार से आगे की तरफ करना पड़ता है, जैसे कि सपोज दैट 12x का अगर आपका कमरा है तो आप जो लास्ट रो है वहां पर आप 3 की सीटिंग लग जाएगी, उससे नीचे का जो सा है वहां पर आगे का सॉरी जो वहां पर आपका 2 बंदों की सीटिंग लग जाएगी। आप वहां पर प्लेटफॉर्म बना के रख सकते हो, 2 सीटिंग जो होती है वो बिल्कुल नीचे की तरफ होगी, फिर तकरीबन कोई
आधा फुट 6 या 7 इंच के बाद वहां पर एक प्लेटफॉर्म ऊंचा बना दीजिए, उसके ऊपर बाकी पीछे वाला जो रो है वो आ जाएगा। बाकी साइज जो है साइज ठीक है, वो कोई चक्कर नहीं है। अभी एसी की तो लग चुकी है बिल्कुल, अभी अगले सीजन ही चेंज करेंगे, मगर अपने आप ही बंद हो जाता है, पता नहीं यार बीच में गर्मी में भी यार हो रहा है। सैफ भाई अगर बेस की बात करोगे तो बेस जो है वो लॉजिटेक का ज्यादा है, जो कितना नंबर था वो आई थिंक 906 है जो सा, उसका बेस तो उसका ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर 8 इंच का ड्राइवर है, और जो हमारा सोनी है उसमें 6.5 इंच का ड्राइवर है, मगर फिर भी साइज ड्राइवर साइज के अलावा भी एक थोड़ी जैसे बिल्ड क्वालिटी होती है, तो जो बेस है वो तो यार उसी का ही है। बाकी अगर आप, मैंने वो वीडियो के अंदर भी देखो बताया है कि अगर आप म्यूजिक के लिए ले रहे हो तो म्यूजिक के लिए आपका लॉजिटेक जो है वो ज्यादा बेटर है, अगर आप एक वीडियो एक्सपीरियंस के लिए ले रहे हो, मूवीज वगैरह देखने के लिए लेते हो, तो उसके लिए आपका जो सा IV300 है वो ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी भी ज्यादा दे रखी है। लॉजिटेक के अंदर इतनी आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, HDMI वगैरह नहीं दे रखा उसके अंदर, तो वो उसका काफी बड़ा एक ड्रॉबैक है कि उसके अंदर HDMI नहीं है। फॉर्मेट के मामले में वो दो एक डिजिटल डॉल्बी डिजिटल और DTS को ही सपोर्ट करता है, बाकी इसके अलावा जो हमारा Sony 300 है उसके अंदर आपको काफ़ी सारे फॉर्मेट वो सपोर्ट करता है। तो आप ये डिसाइड कर लो पहले कि आपको म्यूजिक के लिए लेना है तो लॉजिटेक ले लो, अगर आपको मूवीज के लिए चाहिए तो आप फिर सोनी का ले लीजिए। अगर बजट आपका थोड़ा अच्छा है और ऊपर जाते हो तो और ऑप्शंस भी देख सकते हो। प्रदीप जी इस रूम के लिए सर नहीं कहाँ गया, प्रदीप जी का मैसेज कहाँ गया। इस रूम के लिए सिर्फ एम्पलीफायर ठीक रहेगा या और कुछ जैसे प्री एम्प वगैरह भी लगाना पड़ेगा। सर प्रदीप जी प्री एम्प अगर अकेला नहीं लगता कभी भी, प्री एम्प के साथ में फिर आपको पावर एम्पलीफायर भी लगाना पड़ता है उसमें। भैया देखो ऐसा है कि इंटीग्रेटेड एम्प से यानी कि जो AVR है एम्पलीफायर है हमारे, उससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी बेटर हर तरीके से बेटर जो है वो हमेशा हमारा प्री और पावर ही रहता है। तो प्री और पावर अगर आपका बजट अच्छा है लगाने का तो वो कॉस्टली पड़ते हैं वो, तो आप वो लगाओगे तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है उनका। बट ये है कि एक नॉर्मली जितना आपका कमरा है उस कमरे के हिसाब से प्री पावर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको। आप अच्छा AVR भी लगाते हो अगर तो आपका प्रॉपरली पूरा पूरा काम हो जाएगा, पूरा फुल मजे वाला काम हो जाएगा आपका उसके अंदर। ओके थैंक्स आई लॉट ब्रो, गुड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मत बोला करो साहब भाई, सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल जो है ना उसको शेयर कर दिया करो। अपनी पर्सनल वॉल वगैरह होती है आपकी जो सी, मतलब घर की दीवारों पे नहीं, वो फेसबुक वॉल होती है या अपना इंस्टाग्राम है या किसी व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में हो आपको, तो वहां पर लिंक डाल दिया करो, बस वही धन्यवाद हो जाएगा सबसे बड़ा आपका। गिव यू अ लाइक फॉर योर आंसर। थैंक यू सर भाई। किसी ने यार चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना, कोई नया बंदा है हमारे साथ इस टाइम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाईजान और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली जो और वीडियोस आएंगी उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी पहली बार आए हो तो बाकी की वीडियोस भी एक बार जरूर चेक करना, हो सकता है आपके किसी सवाल का जवाब उन्हीं वीडियोस के अंदर छुपा हुआ आपको मिल जाए। टन टन।
तो एक बार पुरानी वीडियो जो है उनको भी देख लेना, बाकी शेयर जरूर कर देना यार, बस शेयर करते रहो यार, यही हो सकता है। यूट्यूब तो यार मेरी वीडियोस को पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरी, कि जोन सी है ना सजेशन के अंदर डाल के राजी ही नहीं होता। अब जब तक वीडियो किसी के पास पहुंचेगी नहीं उसको पता ही नहीं लगेगा, तो चैनल ज्वाइन कैसे करेगा बंदा ना, सीधी सी बात है। हेलो राहुल त्रिपाठी जी, कैसे हैं आप? सोनजीत जी, मोटिवा MC 700 के बारे में बताएं प्लीज। MC 700 के बारे में बताओ। इमोटिवा सर जी वैसे तो देखो चाइनीज कंपनी है, मगर एक काफी अच्छी कंपनी में इसका नाम आ जाता है इमोटिवा का। कुछ मॉडल हैं इसके जो से यूज किए हैं मैंने, मोस्टली पावर एम्पलीफायर यूज किए हैं मैंने, तो ठीक है, अच्छे लगे वो, परफॉर्मेंस वाइज अच्छे थे, लुक वाइज भी अच्छे हैं, और बिल्ड क्वालिटी भी बोली जाए तो वो भी ठीक है, उसकी अच्छी है, मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो सही है वो, अच्छे एम्पलीफायर है इमोटिवा के भी। इंडिया के अंदर लोग यूज नहीं करते इसको ज्यादा, मगर वैसे तो ठीक है, अच्छी है। मैं एकदम बढ़िया हूँ सर जी, और आप बहुत बहुत बढ़िया, बधाई। थैंक यू, थैंक यू राहुल जी। कादेव जी, डॉल्बी एटमॉस 7.1 230 के पैकेज न्यू है या यूज्ड? 230 पे कादिर भाई, समझा नहीं मैं क्या कह रहे हो यार आप। डॉल्बी एटमॉस 7.1 230 का के पैकेज न्यू है या यूज्ड? कादिर भैया समझा नहीं यार मैं, भाई एक बार थोड़ा सा बताना क्या मतलब हुआ। 7.1 230 का पैकेज न्यू है या यूज्ड? अच्छा शायद आप, मेरे ख्याल से आप वो बात कर रहे हो यार, वो जो एक मैंने कोई पैकेज जो मैंने डाला था उसके अंदर, वो आप आई थिंक पूछना चाह रहे हो कि यूज है या पुराना है। तो आई थिंक वो डेनन और पोल कॉडियो का पैकेज है 2,30,000 का, आप शायद उसी के बारे में बात कर रहे हो। वो नया है भैया, नया बिल्कुल ब्रांड न्यू है, डब्बा पैक है, विद गारंटी, विद वारंटी जो भी कंपनी देती है वो सब कुछ। रोनल जी कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, थैंक यू सर, रोनल जी बहुत बहुत थैंक यू आपको भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भी, और वो कॉन्ग्रेचुलेशन भी, आप सभी की मदद से हुआ है। तो उस पे देखा था। हाँ वो कादिर भाई वो नया ही है, न्यू है, ब्रांड न्यू है। इमोटिवा ऑस्ट्रेलियन कंपनी है और हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में है। सोमजी जी, मैंने तो जहाँ तक इसके बारे में डिटेल देखी है, नहीं वो तो चलो बनता तो सर चाइना में ही बन रहा है ऐसे तो, ये तो है ही है, बट इनका जो सा मेन यूनिट इन्होंने लगाया, जो सी बाकी कंपनी होती है ना वो क्या करती है कि जैसे कि जो डिजाइन बनता है उसका और जो रिसर्च वगैरह होती है वो होती है किसी और कंट्रीज के अंदर ही, जैसे कि ऑनक्यो है, ऑनक्यो की जो सी जो डिजाइनिंग है और जो सी R&D वगैरह जो भी होती है वो सारी जो सी है वो US में होती है, मगर जो मैन्युफैक्चरिंग जो असेंबलिंग होती है ना वो चाइना के अंदर होती है, मगर इमोटिवा के साथ में क्या है कि ये चाइना में ही डिजाइन होता है, चाइना में ही R&D होता है, चाइना के अंदर से ही बनकर आता है ये वाला, मतलब मेरे कहने का मतलब जो है वो ये है। अमित भाई आप तो कॉल को सजेस्ट नहीं करते सर, बिल्कुल नहीं करता कादिर भाई, नहीं करता, मगर ऐसा है ना कि अब देखो एक जो दुकानदार होता है ना, दुकानदार को चीज वो वाली अच्छी हो नहीं हो वो बता भी रहा है लोगों को कि वो सही नहीं है, मगर लोग अगर तब भी वही चीज मांगते हैं तो यार वो दुकानदार तो मजबूर है कि उसको वो चीज रखनी ही पड़ेगी, तो वही वाला हाल हो जाता है कि काफी मतलब कहने के बाद में भी अब लोग अगर उसी की डिमांड कर रहे हैं तो यार वो मेरे को देखो रखना तो पड़ेगा ही ना मुझे, उसको क्या कर सकता हूँ फिर मैं उसको भाई। हर बंदा तो इतना नहीं, जैसे आप आपने को बोला मैंने
तो आप समझ गए उस चीज को कि हाँ यार ये बंदा अगर बता रहा है तो इसको पता है इसलिए बता रहा है। कुछ लोग नहीं समझ पाते तो वो नहीं कि यही चाहिए होता है, तो उसको फिर काम करने वाले एज अ एक बिजनेसमैन के तो उस पे तरीके से तो ये मुझे वो काम करना ही पड़ेगा फिर आपको, कि चाहे वो मुझे पसंद हो या ना हो। ओके सोम जी, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, एवीआर विद ऑरो 3D कब लॉन्च होंगे? सर लॉन्च तो बाहर तो हो ही चुके हैं, बट इनका चक्कर ये है ना कि इसकी जो ऑरो 3D आ रहा है इसके लिए जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है ना वो हमारी 11.2 दी गई है, कि वैसे तो 9.2 से आ जाता है, बट 11 चैनल का अगर आप सेटअप लगाते हो, मतलब कि अगर ऑरो 3D सेटअप आप लगाते कर रहे हो तो उसमें आपको 11 चैनल का सेटअप लगाना पड़ेगा उसके अंदर आपको, मतलब ये चीज मेरे कहने का मतलब। तो यहाँ इंडिया के अंदर इतना हैवी सेटअप यार कोई अभी तक तो किसी ने ना ही डिमांड करी है ना ही कोई लगा रहा है अभी तो, बाकी हो सकता है आगे जाके किसी का कुछ नहीं पता। अभी जैसे कि इंडिया के अंदर ना ही अभी तो 8K भी लॉन्च नहीं किया हुआ, ना ही हमारा वो जो है औरो है उसको लॉन्च किया गया है। यहाँ तो इवन अभी तक यार आपको सच्चाई अगर बताई जाए तो DTS:X Pro वगैरह है हमारे, डॉल्बी विजन है, इन्हीं के बारे में अभी तक तो लोगों को क्लियर नहीं है। तो ऑरो 3D जो है यार वो तो अभी काफी आगे चला गया, धीरे धीरे करके आएगा समझ लगेगी लोगों को। एक्चुअली में हाई एंड यूजर है कितने यार इंडिया के अंदर, अभी देखो ना कितने कितनी, अगर मतलब आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हो तो आप खुद जान जाओगे कि कितने से लोग हैं यार हाई एंड जिनको पता है इनके बारे में कि हाँ होम थिएटर होता क्या है असली में, क्योंकि है ही कितने से बंदे वो, और जिनको नहीं पता है वो जानना भी नहीं चाहते, वो कहते हैं भैया हमने क्या करना है इसे देख कर, हम खरीदेंगे नहीं, इतने महंगी चीजें होती हैं हम लेंगे नहीं, तो हमने जान के क्या करना। मतलब वो वाला हिसाब है बंदे का कि हवाई जहाज खरीद नहीं सकते अगर तो उसमें बैठेंगे भी नहीं, मतलब वो वाला काम है भैया, हवाई जहाज खरीद नहीं सकते मगर टिकट लेके कहीं जा तो सकते हो। भाई अगर AV रिसीवर से कार एम्प को इनपुट दें तो क्या सब ऊपर एक्टिव बन सकता है? रोनल जी, अगर AVR रिसीवर से कार एम्पलीफायर को इनपुट दें तो क्या सब ऊपर एक्टिव बन सकता है? हाँ तो सर अगर आप एक एक कार का सब ऊपर लेते हो, एक कार का एम्पलीफायर लेते हो और एक अपना AVR उठा ले रहे हो, तो AVR की जो सब प्री दे रखी है उसमें से आप उसको सिग्नल वहां भेजो उसके अंदर गाड़ी के एम्पलीफायर के अंदर, उसके बाद उसकी जो सी टर्मिनल वायर है जो सी आपके एम्पलीफायर कार एम्पलीफायर की उसको आपने लगा दिया अपने पैसिव सब ऊपर के ऊपर, तो वो एक्टिव ही हो गया, वो एक्टिव बन गया एक तरीके से वो भी, पर वो कितना एक्यूरेट काम करेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो आप करके देख लो अगर आप करना चाहते हो तो। 3D औरों से बेस्ट है और 3D एटमॉस से, सर एटमॉस कादिर भाई एक अलग चीज़ है, और 3D जो है वो थोड़ा सा अलग कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, हालांकि अभी तो बेस्ट को तो आप छोड़ ही दो तो, क्योंकि एटमॉस की कंटेंट अभी प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे लोगों को, तो और 3D को तो अभी मेरे हिसाब से इंडिया में एक थोड़ा सा तरीके से चलने में अभी कम से कम भी 2 या 4 साल लग जाएंगे यहाँ पर। और दूसरा ये है कि उसके लिए 11.2 की कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए, तो 11 चैनल का एम्पलीफायर भी 3-3.5 लाख रुपए का एम्पलीफायर है, उसके बाद आप उतनी स्पीकर ज़्यादा लगेंगे, तो वो सब कुछ मिला के कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, तो मे भी पता नहीं कोई लगवाएगा नहीं लगवाएगा, और लगवाएगा वो तो हम जैसे बंदे के पास तो वो आएगा नहीं, वो किसी बड़े शोरूम पर जाएगा। बाकी कोशिश करूंगा और 3D की जो डिटेल है उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की, कि एक्चुअल में वो किस हिसाब से काम करता है और 3D, तो वो एक बार वो भी बताऊंगा उसमें, मैं वीडियो बना के बताऊंगा।
इंडिया में कोई है ही नहीं, बहुत कम। हाँ सोमजी जी, वही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ बंदे हैं ही कितने यार। राहुल जी कह रहे हैं सर जी, नॉर्मल ब्रूले प्लेयर अगर 8 चैनल सपोर्ट करता है तो क्या वो 5.212 का रिवॉर्ड सपोर्ट करेगा, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस टू में दोनों ऑप्शन होते हैं, तो जब 1 चैनल में जल्दी है। भैया डिस्क के अंदर राहुल जी ऑप्शन जो से हैं वो सभी सभी फॉर्मेट्स के लिए होते हैं वहां पर उसके अंदर। वो डिपेंड करता है कि आप उस वाली डिस्क को सोर्स जो सा है वो कहाँ दे रहे हो आपसे। अगर आप वो सोर्स एक 7.1 चैनल एम्पलीफायर में दोगे तो वो आपका 7.1 चैनल का काम करेगा। अगर आप उसे एक 5.2.2 या 1.2 में सिग्नल भेजते हो यानी कि एटमॉस के सेटअप पे, तो वो एटमॉस का काम करेगा आपका। तो मैं सवाल दोबारा पढ़ूंगा आपका, मुझे लग रहा है इसमें कुछ कुछ गड़बड़ करी है मैंने बोलने में। सर जी नॉर्मली ब्लूडे प्लेयर अगर 8 चैनल का को सपोर्ट करता है तो क्या वो, सर ब्लूरे 8 चैनल को सपोर्ट करता है ये लाइन, एक तो देखो पहले लाइन तो ये समझ में नहीं आई, क्योंकि ब्लूरे ने सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं करना होता। ब्लूरे ने आपकी जो डिस्क आप उसके अंदर डाल रहे हो उसका जो फॉर्मेट है वो उसे पास थ्रो कर देगा अभी, तो वो जो सा फॉर्मेट है वो डायरेक्टली बिना चेंज हुए आपके एवीआर पर आ जाएगा। फिर अब एवीआर का काम है वो कि वो उसे किस फॉर्मेट के अंदर प्ले कर रहा है। अगर वो एटमॉस अनेबल एवीआर है तो एटमॉस में भी कर देगा, अगर वो एटमॉस नहीं होगा तो वो जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके वो उस हिसाब से काम करेगा उसके अंदर। सर्किट पैराडाइम सबवूफर सर सूरजी, पैराडाइम सबवूफर इनसाइड इनसाइड वीडियो आई थिंक बोल रहे हो ना बनाने के लिए, तो सर कोई आलन दो सबवूफर बनाते हैं फिर उसके ऊपर वीडियो। अभी एक 8 इंच का पैराडाइम का सबवूफर तो आ रहा है, मे बी 2-3 दिन में शायद पहुंच भी जाएगा मेरे पास, तो उसके ऊपर भी बना सकते हैं। उसमें एक तो यार परेशानी सबसे बड़ी मैं आपको क्या बताता हूँ ना, देखो पैराडाइम के जो सबवूफर है ना उसकी जो अगली ग्रिल है ना वो फिक्स होती है, मतलब उसको आप अभी इसमें स्पीकर जो सा लगा होता है जो ड्राइवर है वो क्या है कि वो पीछे से जो एम्पलीफायर लगा होता है हमारा, पहले वो एम्पलीफायर निकलता है बाहर, फिर एम्पलीफायर को निकाल के उसके अंदर स्पीकर जो है वो अंदर से कसा हुआ होता है उसके, तो वो उसको अंदर से ही उसे निकालना पड़ता है, ये चक्कर होता है उसके अंदर। बाकी देखेंगे आने तो देखते हैं फिर क्या करना है उसके साथ। इनोन डिनोन डेनोन होगा आई थिंक, ये डेनोन या मरांस का मॉडल नंबर बताएं जिसमें और 3D फर्मवेयर अपडेट होंगे। सोम जी जी ऐसे तो देखिए माइंड में मेरे नहीं है कुछ भी ऐसा, तो इसके लिए एक बार देखते ही बता पाऊंगा मैं भी, अभी ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं। और यहां पर तो आपको मिलेंगे भी नहीं आई थिंक, मगर मॉडल अगर होंगे तो ये तो बाहर ही होंगे अभी इंडिया से, क्योंकि जैसे कि वो एक कभी पीछे 8K की वीडियो बनाई थी जिसमें अनबॉक्सिंग करी थी उसकी, तो वो भी इंडिया में तो अवेलेबल है ही नहीं था, वो भी बाहर का ही सेट है। सोम जी जी एक बार चेक करूंगा देखूंगा, अगर कुछ कंफर्म ऐसा कुछ होगा तो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा अगली लाइव में बता दूंगा।
अभी तो ऑरो 3D का यार ये भी कंफर्म नहीं है अभी तो कि वो कितना फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि एटमॉस की भी बात करते हैं अगर, तो एटमॉस जोन से यार वो भी बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां पर प्रॉपरली वो काम कर ही नहीं पाता। तो बाकी इसके बारे में देखेंगे। DTS:X है जो, वो भी मेरे को तो वो ज्यादा बेटर लगता है वैसे, कि काफी ज्यादा एक्यूरेट है वो वैसे तो, क्योंकि DTS:X के अंदर तो मैं अभी सेटअप लगा चुका हूँ अपने। सतीश शर्मा जी, गुरु जी ये डॉलर का आइकन क्यों आ रहा है चैट पर? ये सर जी, डॉलर का जो साइन आ रहा है साइट पर वो होता है सुपर चैट के लिए, कि मान लो जैसे कि कोई व्यक्ति अगर, मतलब ये जैसे यार कैसे समझाओगे, मतलब ये गिफ्ट्स वगैरह के लिए होता है एक तरीके से, कि जैसे आप किसी चैरिटी वगैरह का लाइव चल रहा है जैसे मान लो, तो वो उसके अंदर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ चैरिटी के लिए, कह रहा हूँ मैं आपको कि हम ऐसे करते हैं, ये हम ये वाली संस्था चला रहे हैं या कुछ भी ऐसा, तो वो होता है कि उसके लिए जो जो बंदे एक दान करना चाहते हो, आई थिंक दान जो बोल सकते हैं उसको, तो वो जो डॉलर का आइकन है उसको आप दबाओगे अगर, तो वहां पर वो एक पैसों के लिए वो आ जाता है बन के, क्योंकि मैंने अभी एक दो दिन पहले एक चैनल पर पैसे सेंड किए थे इसी तरीके से, इसलिए मेरे को पता है, तो वो वहां पर आपके पैसे पहुंच जाते हैं। जैसे कि गेमिंग चैनल होता है, गेमिंग चैनल के अंदर भी आपने देखा होगा कि वो आइकन आ रहा होता है, उसमें बीच में बंदे जो से हैं वो अपने पैसे भेजते रहते हैं, तो जो बंदा चैनल पर होता है वो अलग से, मतलब वो कमेंट जो होगा ना उनका वो हाईलाइट हो जाता है उसमें, तो वो व्यक्ति जो सा चैनल वाला होगा वो स्पेशली उनका नाम लेकर उसमें कि इन्होंने सुपर चैट किया है या स्टिकर सेंड किया है, जो भी इस टाइप से होता है, तो उसके लिए वो आइकन होता है वो वाला, कि अगर आप किसी को, जैसे आपने किसी से कोई सजेशन मांगा, कुछ लोग है ना जैसे सजेशन मांगते हो तो एक कंसल्टेंस फीस होती है, जैसे कि वो उसको वो चीज कह सकते हो कि आपने मेरे से कोई चीज पूछी तो उसके लिए मेरी एक फीस है कि हाँ भैया वो क्वेश्चन के जो है ₹50 लगेंगे, तो वो ₹50 आपने जो मेरे को भेजने हैं उसके, वो उसके लिए आइकन होता है कि उसको दबा के आप वो पैसे सेंड कर सकते हो। तो कादिर जी, डेनन 1600 2600 3600 पे वीडियो बनाए सर, एक साथ सबके ऊपर वीडियो बननी है, मगर बनाएंगे पूरी पूरी कोशिश करेंगे। राम राम लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नारायण जी, राम राम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, एक मिनट इसमें पढ़ता हूँ यार, उसमें तो दिखेगा नहीं। राउत जी भी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी, मेरे वहाँ ऐसा ही विश्वास है, लेकिन ब्लूरे कंपनी की वेबसाइट पे ऐसा कहते हैं कि अगर ब्लूरे प्लेयर Dolby 2 HD एंड DTS:SD मास्टर सपोर्ट सपोर्टेड है तो 8 चैनल ही होंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होता कोई ब्लूरे सर, तो आपने कभी देखा हो तो ब्लूरे के अंदर तो कोई चैनल वैनल कहाँ मेंशन होते हैं यार उसके अंदर, कि इतने चैनल का ब्लूरे है या इतने चैनल का ब्लूरे, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। वो तो जो पैकेज आते हैं, जैसे वो सोनी वगैरह के सेट आते हैं जो, से ये IV300 है या इसके जो ब्लूरे वाले सेट आते हैं, IV300 में सॉरी प्लेयर नहीं होता, तो इससे ऊपर जो है जिसमें ब्लूरे प्लेयर दिया होता है साथ में, तो वो तो उनके लिए होता है कि वो ब्लूरे प्लेयर के साथ में 5 चैनल का उसके अंदर एम्पलीफायर लगा होता है, तो वो 5 चैनल का ब्लूरे प्लेयर हो गया। अगर आप एक्सटर्नल ब्लूरे प्लेयर अगर ले रहे हैं, एक नॉर्मली जो उनसे सिर्फ ब्लूरे प्लेयर होते हैं जो उनसे वो लेते हो, तो उसके अंदर चैनल का तो कोई लेना देना ही नहीं होता ना यार उसमें, वो तो आपके एम्पलीफायर ने डीकोड करना है उसको, कि आप वो एम्पलीफायर जितने भी चैनल में उसको चला रहा है वो उसे डीकोड करेगा ना, पीछे से जो कोड हमें मिल रहा होगा वो तो एज इट इज वही मिल रहा है हमें जो उनका डिस्क के अंदर आ रहा है कोड हमारा, तो चैनल की कभी हम, मैंने तो गौर तो नहीं किया वैसे कभी, बट जहाँ पे मेरे दिमाग की बात है तो मुझे नहीं लगता कि कोई चैनल ब्लूरे के बॉक्स के ऊपर कभी ये लिखा होता है कि इतने चैनल का ब्लूरे है, इतने चैनल का ब्लूरे है। और वैसे भी अगर मैं अपनी भी बात करता हूँ तो यार मैं तो रिसीवर, मान लो जो सेटअप पे लगाया मैंने उसमें, तो रिसीवर पे जितने
लगाओ ना, अब कभी मेरा कोई 5 चैनल का एम्पलीफायर लग जाता है, कभी उस पे हम 7 चैनल का एम्पलीफायर लगा देते हैं, कभी उस पे एटमॉस का एम्पलीफायर लगा देते हैं, बट वो ब्लूरे जोन सा वो तो मेरा एज इट इज वही रहता है, तो वो तो सब पे काम करता है, वो जोन सा भी एम्पलीफायर मैं लगाता हूँ वहां पर, वो जितने भी चैनल का होता है उसी हिसाब से काम करता है वो अपना। हेलो हेलो कनकेश जी, क्या हाल है सर आपके? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? और अभी वो ठीक है आपका? और यार भैया, कोई भी नया बंदा जुड़ा है अगर हमारे साथ इस वीडियो के अंदर, इस लाइव सेशन के अंदर में, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फुर्सत में किसी दिन बैठकर बाकी की पुरानी वाली वीडियो जो है वो भी चेक कर लेना, हो सकता है कि कोई ना कोई आपके छिपे हुए सवाल का राज आपको उन वीडियोज के अंदर मिल जाए, तो उसको जरूर चेक कर लेना। बाकी यार आपसे सभी से एक वो है, क्या है वो, क्या कहते हैं उसको, गुजारिश है, गुजारिश, वो आमिर खान वाली गुजारिश है कि चैनल को अपने शेयर वेयर करते रहा करो यार। वो दिन कब आएगा, वो दिन आप कब लेकर आओगे कि जब मैं ये वाली लाइन बोलनी बंद कर दूं कि शेयर करो? मैं सच्ची कह रहा हूँ, आप शेयर वगैरह करके मजे वाले से शेयर कर लोगे ना, मैंने बोलना बंद कर देना फिर कि शेयर करो। ब्लूरे प्लेयर पे हर डॉल्बी एटमॉस लिखा हो तभी सपोर्ट करेगा, और ऐसे प्लेयर कॉस्टली होते हैं, प्लीज सजेस्ट मी राइट पाथ, आई एम कंफ्यूज। राहुल भैया, मेरा जो सा ब्लूरे प्लेयर है जो मैं यूज करता हूँ, वो है मेरा फिलिप्स का ब्लूरे प्लेयर है, एक जो घर पे लगा हुआ है वो है, घर वाला है, घर वाला सोनी का है, और जो यहाँ पर लगा रखा है मैंने वो मैंने लगा हुआ है उसका फिलिप्स का। दोनों ही जो है उसके ऊपर ब्लूरे के, मतलब जो ब्लूरे है उनके ऊपर कोई एटमॉस वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, मगर मैं जब भी एटमॉस की सीडी उसमें प्ले करता हूँ ना, तो मेरा जो एवीआर है वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्मेट को डिटेक्ट कर लेता है और मोड को चेंज कर देता है, मतलब कि वहां से आने वाला जो सिग्नल होता है वो अगर एटमॉस मिलता है मेरे रिसीवर को तभी वो उसे एटमॉस के अंदर शिफ्ट करता है। तो प्लेयर अगर उसको दे रहा है तो यार वो मेरे हिसाब से तो एटमॉस वगैरह लिखा हो ना लिखा हो, यानी मेरे तो जो ब्लूरे प्लेयर है वो भी मेरे ख्याल से नाना करते, जो घर वाला है वो कुछ 3-4 साल पुराना तो आई थिंक होगा, और जो यहाँ पर डेमो पे लगा हुआ है उसको तो कम से कम मेरे 5 साल से भी ऊपर हो गए होंगे लगे हुए। तो दोनों ही जोन से उनपे मैं एटमॉस की डिस्क लगा रहा था, मेरे काम करते हैं वो, ऐसा कुछ तो मेरे साथ तो नहीं होता। बाकी एक बार ही आपके कहने के पे मैं एक बार चेक जरूर कर लूंगा दोबारा से उस पे एटमॉस की डिस्क को चलाकर और एटमॉस रिसीवर लगाकर उस पे कि हो रहा है, बाकी जहां तक मेरे को ध्यान है तो वो मेरा प्ले करता है, क्योंकि जो हमारी रिसीवर की स्क्रीन है ना पीछे से जब भी कोई फॉर्मेट मिलता है उसको, अगर वो डीटीएस होता है तो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा वहां पर डीटीएस आ जाता है अपने आप, वो उसको कैच कर लेता है उसी टाइम से। तो इसी तरीके से अगर आप कोई भी ब्लूरे प्लेयर लगा रहे हो तो मेरा तो मेरे तो चल रहा है, मगर ये है कि उसके अंदर सर अगर आप एचडीएमआई से कनेक्शन ले रहे हो उसका तभी वो चलेगा, अगर आप ऑप्टिकल या आप को एक्सल से सिग्नल ले रहे हो तो आपका एटमॉस के अंदर नहीं आएगा वो, ये चीज ध्यान रखना आप, आपके वो उसके लिए एचडीएमआई वायर ही लगानी पड़ेगी वहां पर। पी सतीश कुमार जी, हाय सर, मेरा मैसेज स्किप कर गए, माफी चाहूंगा सतीश कुमार जी, मैं चल के पीछे थोड़ा सा देख लेता हूँ। हाय अमित जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? सतीश कुमार जी, यही था मैसेज आपका ना, ये क्या आया ना आपका मैसेज अभी, माफी चाहूंगा यार, आप बताइए आप कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ऋतिक रोशन की भी एक गुजारिश थी, नहीं ऋतिक रोशन की तो मूवी थी ना गुजारिश, आमिर खान का तो सिर्फ गाना ही गाना था ना गुजारिश वाला। सर ये डिटेल मिलेगा सर अभी आधे घंटे के अंदर, मतलब आधे घंटे की सॉरी, ये लाइव जैसे ही खत्म होता है ना आपको मैं सेंड कर देता हूँ अभी।
ऑफिस में हूँ मैं, अभी ऑफिस ही बैठा हूँ, आज आया हूँ, ऑफिस ही आया हूँ आज। तो आपको मैं अभी जैसे ही लाइव खत्म होगा उसके बाद फिर मैं आपको वो डिटेल सेंड कर देता हूँ। और टाइम पता नहीं क्यों, टाइम एक्चुअली सर लग भी रहा है क्योंकि ना मेरा गुजरात से मेरा भी पार्सल आना है, कोई क्लाइंट है हमारे तो उनको सामान दिया था कोई, तो अभी उन्होंने अपग्रेड करना था तो वहां से उन्होंने वो वाला सामान जो से वो वापसी भेजा, यहाँ से मैं दोबारा उनको सामान दे रहा हूँ, नया सामान और दे रहा हूँ, तो वो भी जो सा उनका वाला पार्सल जो उन्होंने भेजा हुआ है ना वो भी अभी तक मेरे पास में पहुंचा नहीं है, काफी दिन हो गए। और जो मैंने यहाँ से एक सबवूफर टेनोए का उनको भेजा हुआ है तो वो भी उनके पास में अभी तक पहुंचा नहीं है। तो प्रोसेस जो सा है ना वो थोड़ा स्लो चल रहा है मेरे ख्याल से, बीच में जो सी दिल्ली के अंदर शायद बारिश वगैरह भी बहुत ज्यादा हुई है, 3-4 दिन तक तो काफी बारिश होती रही है, हो सकता है उसकी वजह से भी थोड़ा सा डिले हो रहा हो। तो बाकी मैं डिटेल आपको अभी ये लाइव सेशन जैसे ही खत्म करते हैं तो उसके बाद आपको मैं डिटेल भेज देता हूँ, और माफी भी चाहूंगा सर देरी के लिए कि टाइम जो इतना लग रहा है। थैंक यू सो मच सर जी, वीडियो शेयर करूंगा, थैंक्स, आपने मेरा ना खर्चा बचा दिया, अभी मेरा सोनी VV500 मॉडल है जो कि एंट्री लेवल है। राहुल जी सच बताओ तो जो ब्लूरे मैं भी यूज कर रहा हूँ ना, जोन सा फिलिप्स वाला ब्लूरे है जोन सा, वो तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है क्योंकि वो स्मार्ट ब्लूरे है, वाईफाई वगैरह सब कुछ है उसमें। बाकी जो सोनी वाला ब्लूरे मैं यूज कर रहा हूँ ना वो भी एंट्री लेवल का ब्लूरे है, मेरे ख्याल से 6-6.5 हज़ार का शायद उस टाइम नया ही था वो, तो मैं भी उसी को यूज कर रहा हूँ। बीच में मैंने चेंज करा था एक एक्सपीरियंस के लिए, एक ओप्पो का पुराना मिला था मुझे, पुराना था क्या मतलब नए जैसे ही था वैसे, तो वो मिला था बीच में मुझे, तो मैंने भी उसको लिया था, वो तकरीबन नया वैसे था वो कुछ 90-95 हज़ार रुपये के आसपास का, तो पुराना वो मिला था मुझे कोई 35-40 हज़ार रुपये के आसपास, तो मैंने ले तो लिया था कि यहाँ कुछ फर्क आएगा या कुछ होता होगा, बट जब यूज़ किया उसको तो मतलब कि पैसों के हिसाब से मेरे को कोई ज्यादा नहीं समझ लगी उसकी, तो मैंने वो बेच दिया, वो मैं फिर से वही सोनी वाले पे आ गया अपने जो कि 3-4 साढ़े 4 5 हज़ार रुपए के आसपास का है। ब्लूरे मोस्टली एंट्री लेवल ही लगाते हैं लोग, उसमें चाहिए क्या होता है हमें यार, एक चक्कर होता है कि अगर आप USB के थ्रू पे मूवीज वगैरह प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा सा एक ऑप्शन होता है कि हाँ वो फॉर्मेट किस किस को सपोर्ट करता है या नहीं करता, कि USB के थ्रू वो कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करेगा, बाकी तो सब सेम ही है यार। उसमें वो दे ही रखा है, वो YouTube भी है उसके अंदर, एक दो एप्स वगैरह और भी दे रखी होती हैं, वो लैन केबल अगर आप लगा देते हो उसको तो लैन के साथ आप वो भी यूज कर सकते हो उसमें, बिना वाईफाई वाला है जो सा, जिसमें वाईफाई है उसमें तो आप यूज कर ही सकते हो, बट जिसमें वाईफाई है उसका भी मैंने आज तक कभी वाईफाई नहीं यूज किया, सिर्फ और सिर्फ डिस्क ही यूज की है उसके अंदर, डिस्क लगाकर ही जो चलाया है, ना ही कभी मैंने उसमें आज तक पेन ड्राइव लगाकर चेक करी है, ना ही कुछ और मतलब कि वो जो होता है हमारा स्मार्ट के जो फीचर होते हैं हमारे वाया नेट के थ्रू कुछ भी जैसे स्ट्रीमिंग करते हैं वो भी मैंने कभी यूज नहीं करी। एक ऑडियो स्ट्रीमर आया यार मेरे पास डेनन का, मतलब बड़ी अच्छी चीज़ है वो, अगर पता हो सबको मतलब कि उससे आप ऑडियो स्ट्रीम कर सकते हो, खाली वाईफाई वगैरह है उसके अंदर, लैन भी लग जाता है, वाईफाई भी है और इनबिल्ट डेक है उसके अंदर, डेक भी दे रखा है साथ में, और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए हैं उसमें, तो उसको मैंने डिटेल्ड चेक नहीं किया कि सभी फंक्शन उसके, तो अभी एक बार थोड़े दिन उसको यूज़ करने के बाद में फिर उसके ऊपर ना वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा उसकी भी बना के कि क्या चीज़ है वो। कोरियर में आजकल बहुत टाइम लग रहा है, जैसे दिल्ली हो या इंदौर। हाँ जी, कुछ है चल रहा है ऐसा, कुछ पता नहीं स्टाफ कम है या क्या है ऐसा कुछ समझ नहीं आया, बट जो कोरियर पहले 3-4 दिन में पहुंच जाते थे उसको अभी 10-10 दिन लग रहे हैं पहुंचने में। आई थिंक स्टाफ मेरे हिसाब से हो सकता है कि स्टाफ कम होने के कारण, कि पीछे जैसे कि काफी लोग चले गए थे, छोड़ भी दिया था कंपनीज में, कई कंपनियों ने एम्प्लॉयज वगैरह को निकाल भी दिया, आधे आधे कंपनियों ने निकाल दिया था, तो आई थिंक हो सकता है वो भी एक रीजन रहे। सतीश कुमार जी, प्लीज सर आपके पास अवेलेबल पैकेज जो हो उसको अपडेट कीजिए प्लीज, AV रिसीवर एंड स्पीकर्स का, अभी ऑनलाइन ही कुछ अपडेट्स दीजिए। सतीश कुमार जी, सर आप मेरे को अपना बजट बताइए कि बजट क्या है आपका, फिर उसके हिसाब से आगे बताऊंगा मैं आपको। और लक्ष्मी नारायण जी, अमित सर 70K डॉल्बी एटमॉस डॉल्बी एक्स AVR विद स्पीकर्स यूज्ड में मिलेगा? मिल जाएगा सर, लक्ष्मी नारायण जी मिल जाएगा सर आपको 70,000 के अंदर आपको वो मिल जाएगा सर।
उसकी वीडियो जो सी है वो वीडियो भी मैं आपको उसकी बननी है बनाऊंगा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको सारी डिटेल उसकी मैं जो सी है वो बता दूंगा। तो वो आपको 70 या 75 आएगा, मुझे एग्जैक्ट अभी प्राइस मतलब अभी आप सोच के मत चलना, कोई भी नेट प्राइस मत लेना, एक अंदाजा बता रहा हूँ कि हो सकता है वो 70 का हो या हो सकता है वो 75 का हो, क्योंकि वो एक बार देख के मुझे पता लगेगा उसमें, तभी फाइनल प्राइस जो होगा वो मैं तभी बताऊंगा। तो वो मैं वीडियो भी उसके बारे में बनाऊंगा एक बारी। तो कादिर भाई PS4 पे भी एटमॉस चलेगा? तो सर PS4 जो सा है उस पर भी एटमॉस चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल काम करेगा। एक्चुअली में क्या है ना, देखो जिस तरीके से ब्लूरे प्लेयर होता है ना, तो जो PS4 है वो भी ब्लूरे प्लेयर है एक तरीके का, बस ये कि उसके अंदर है जो फॉर्मेट्स है वो गेम के जो उनसे फॉर्मेट होते हैं ना गेम्स के, वो भी प्ले होते हैं। तो होता उसके अंदर भी जो है वो ब्लूरे प्लेयर ही होता है, वो उसके अंदर भी आपको पास थ्रो का ऑप्शन मिल जाता है कि आप जो भी सीडी उसके अंदर डाल रहे हो उसी फॉर्मेट पे वो एज इट इज उसको आगे सेंड कर देगा। ये कौन है वो? तो वो उसे वहीं पर भेज देगा, तो वो एटमॉस में होगी तो एटमॉस आगे चला जाएगा, और आपका अगर रिसीवर जो है वो एटमॉस एनेबल है तो वो उसको प्ले करेगा। लक्ष्मी नारायण जी थैंक्स मत बोलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर सही लगा हो जवाब आपको मेरा, और शेयर भी कर दीजिए अपने सखे सहेलियों के साथ, बंधुओं के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, बॉस के साथ, जिसके साथ भी करना चाहो कर दो। और अभी यार वो जो था एक आपसे उसकी गिव अवे की बात चल रही थी पहले, तो वो गिव अवे वाली वीडियो भी शहर में भी देखो थोड़े दिनों में जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि जो शोरूम है जो स्पॉन्सर है तो उनका जो शोरूम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। तो अभी वहां पर एक थिएटर रूम जो उनका बनना है बस वो उसको बनाना शुरू करने लगे हम, तो थिएटर रूम मतलब बाकी का सारा काम होने के बाद में बनेगा वैसे थिएटर रूम जो है, तो वो हमने ही बनाना है वो भी, तो वो जैसे ही वो भी कंप्लीट होता है तो तकरीबन काफ़ी कम टाइम ही रह गया वैसे तो अभी, तो जैसे ही वो जिस दिन उन्होंने मुहूर्त करना है उसका अपना शोरूम का, तो उसी दिन हम ये जो अपना यूट्यूब पर उनके ये वाले चैनल पर ही अपने तो वो गिव अवे वाली वीडियो भी हम उसमें डाल देंगे कि क्या डिटेल है क्या है, तो वो भी जल्दी अब वो दिन थोड़ा पास में आ चुका है वैसे कि कर सकें जिसमें। बाकी भी जो सब्सक्राइबर्स हैं चैनल के वो भी कम है, तो थोड़ा सा इशू उसका भी आ रहा है अभी, क्योंकि तो स्पॉन्सर जो उनसे हैं तो वो भी यही चाहते हैं कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं किसी भी के ऊपर किसी के भी ऊपर तो एटलीस्ट वो 11 से 11 बंदों तक वो चीज़ पहुंचे, तो ये एक रीज़न है थोड़ा सा अभी कि चैनल इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, 2,000 के आसपास ही सब्सक्राइबर्स हैं अभी, तो वो भी शायद इसका भी थोड़ा सा इशू रहेगा आगे चल के, तो बाकी देखते हैं वैसे क्या होता है जितना जल्दी हो सकता होगा। ये तो बेचारे की मजबूरी है देखो कि वो मेरे साथ जुड़ रहा है, क्योंकि उसको और कोई चैनल ऐसा मिल नहीं रहा जिस पर वो अपने शोरूम को प्रमोट कर सके, क्योंकि मोस्टली जो उनसे चैनल से आपको पता है कि वो क्या किस चीज़ में दिखाते हैं वो, तो वो भी जल्दी दिन आने वाला है वैसे तो। बाबरी सैनी सर व्हाट इज योर व्हाट्स सर जी, बद्री जी सर इंस्टाग्राम पर जाइए, बद्री जी आपको बोल रहा हूँ, बद्री जी इंस्टाग्राम पर जाइए वहाँ पर मैसेज कीजिए मुझे, व्हाट्सएप नंबर तो बात की बात है, पहले आप वहाँ पर मैसेज करके बता दीजिए कि आपने क्या जानकारी आपको चाहिए है, तो वहीं पर अगर तो रिसॉल्व हो सकती है तो वहीं कर लेंगे, अगर नहीं होती होगी तो उसके आगे जो भी होगा देखेंगे, क्योंकि नंबर जो सा है यार वो देना ना भाई साहब माइंड मत करना आप कोई भी, आप एक बारी खुद सोचना कि दिन के अंदर कम से कम है ना 100 फोन आ जाते हैं, कुछ ओएलएक्स से आ जाते हैं, कुछ यूट्यूब से आ जाते हैं, कुछ कहीं से आते हैं कहीं आते हैं, और उनमें से आधे से ज़्यादा जो फ़ोन होते हैं ना वो सेंसलेस होते हैं, जिसके कोई जिनका कोई मतलब नहीं बनता,
मतलब कई बार तो मुझे हार के, अभी ये लगा लो मुझे, जैसे कि बताया हुआ है आपको कि थोड़ी दिक्कत चल रही है मेरे साथ, कोई परेशानी में अभी कुछ, तो अभी का ये हाल है कि मेरे को पूरा दिन ना अपना फोन स्विच ऑफ करके रखना पड़ता है इस चक्कर में, क्योंकि इतने फोन्स आ जाते हैं उसमें, तो इसलिए यार नंबर वगैरह देना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बाकी अगर सर कोई भी ऐसी बात होगी जो कि बिना फोन नंबर दिए नहीं सॉल्व हो सकती आपकी, तो बिल्कुल आपको मैं नंबर भी दे दूंगा। बाकी हो सके तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, वहां पर आप अपना जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हो वहां पर, तो वो बेटर ऑप्शन है यार। एक माफी चाहूंगा आपसे इस बात के लिए, मगर फिर भी आप आई थिंक समझ सकते हैं इस चीज को। सतीश कुमार जी, सर बजट है 70,280 के। ओके, मुझे डॉल्बी एटमॉस बीटीएस एक्स चाहिए 5.2.2 स्पीकर सपोर्ट के साथ। सतीश जी, 80,000 के आसपास में देखो, दो सब वूफर भी चाहिए आपको, पांच स्पीकर चाहिए अगर हम इस पे पैराडाइम डालते हैं। सर यूज्ड में चाहिए ना, यूज्ड का ही बता रहे हो ना 80,000, क्योंकि नए में तो कुछ नहीं मिलेगा इस रेट पे। मुझे अपने घर में 9.1 डॉल्बी सेटअप लगवाना है आपसे। ठीक है बद्री जी, आप अपना कमरे का साइज बताइए पहले प्लीज। पंद्रह बाई पच्चीस, पंद्रह पंद्रह इंच, पंद्रह आपकी चौड़ाई हो गई और आपका 25 हो गई आपकी गहराई। सर कितने बंदों की सीटिंग चाहिए आपको वहां पर? यूज में सर सतीश जी 80K में हाँ मिल जाएगा, हो जाएगा। उसके अंदर क्या क्या दे सकता हूँ ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक बार ही थोड़ा सा बनाकर उसे डिटेल इसकी बनाएंगे जैसे, तो उसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि पांच स्पीकर, जैसे कि पैराडाइम है, पैराडाइम के पांच स्पीकर लगा सकते हैं। दो स्पीकर जो सीलिंग के लिए हैं वो हम JBL के स्पीकर हैं, सीलिंग स्पीकर हैं वो लगा सकते हैं। सब वूफर्स में हम टेनोय के सब वूफर्स हैं दो, वो यूज कर सकते हैं। AVR जो एटमॉस एनेबल्ड है उसके अंदर हम इसको ऑनक्यू है जो, उन्हें यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बन तो जाएगा, आप बाकी आगे का प्रोसेस करते हैं। आप इंस्टाग्राम पे प्लीज एक बार मैसेज भेज दीजिए मुझे। दिस इज बेडरूम, तो भैया जी बेडरूम के अंदर देखो सर, बेड है जो सा आपका इसमें बदरी जी, वो आपकी जो सी स्क्रीन वॉल है, यानी कि जो डिस्प्ले वॉल हमारी होती है जहां पर आपका टीवी लगा हुआ है, उससे ओपोजिट आपका बेड होगा। तो वो बेड जो है वो बिल्कुल कमरे के कोने में दीवार के साथ में लगा हुआ है, या कुछ आगे की तरफ लगा है, पीछे गैप है या क्या है, कैसा है वो? अजीत जी भाई आप कहाँ गए भाई? अब आपने ये प्लेटफॉर्म वेरीफाई हो गया है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मैं नोटिस किया है कि वीडियोस के व्यूज बढ़ रहे हैं। हाँ अजीत जी, थोड़ा देखो पहले से तो फर्क आ रहा है इस चीज में, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सब्सक्राइबर्स भी जो है वो भी यार देखो, दो तीन करके रोज के मतलब कि बढ़ते जाते हैं, कि रोज दो या तीन चार, दो तीन चार इस टाइप से मिलते हैं सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। मगर एवरेजली अगर लगा के चलते हैं यार, कि एक दो तीन सब्सक्राइबर अगर मान लो मुझे एक दिन में मिल रहे हैं, हाँ सपोज कर लो तीन मिलते हैं, तो एक महीने के अंदर अगर हम लगाते हैं तो ये हो गया हमारे तीन, ये 90 सब्सक्राइबर्स हमें एक महीने के अंदर मिले। साल की एवरेज लगाओगे तो आपका 90 10 महीने में हो गया आपका 900, और मतलब तकरीबन तकरीबन एक साल के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर्स बनते हैं। तो वो मजे वाली बात तो नहीं आएगी ना मगर उसमें, क्योंकि इस टाइप से तो जहां तक पहुंचना चाहिए मान लो 50-60 हज़ार तो एटलीस्ट सब्सक्राइबर्स होने ही चाहिए, तब थोड़ा सा पता लगता है कि हाँ व्यूज आ रहे हैं चैनल पे, लाइक्स वगैरह आते हैं या व्यूज आते हैं, कन्वर्सेशन जो सी है उसमें फर्क आ जाता है ज्यादा। उसमें फिर क्या है कि वीडियोस भी ज्यादा डलती हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा सजेशन देंगे कि आप इसके ऊपर बताइए, इसके ऊपर बताइए। तो थोड़ा सा है वो चक्कर अभी, कि दो तीन चार सब्सक्राइबर्स रोज के अगर मिलते हैं तो अच्छी बात है, चलो मिल रहे हैं वो भी अच्छा है कि मिल रहे हैं, बट ये है कि उनसे काम चलेगा नहीं ना मगर, ऐसे थोड़ा सा स्पीड होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो सा कंटेंट है ना, इसको कोई सर्च नहीं करता, मतलब डेन एन है,
मान लो मैंने कीवर्ड के अंदर डाला हुआ है डेनन डाला है, मैं वीडियोस टाइटल बना रहा हूँ जो सब कि उसमें डेनन डाल दिया, ऑनक्यो डाला, मरान डाला, इस टाइप से कोई भी ब्रांड नेम डले होते हैं या हाई एंड ऑडियो से रिलेटेड कुछ इंक्वायरीज डली होती हैं, तो वो कोई सर्च ही नहीं करता, तो ये इशू है। और सेकेंडली जो यूट्यूब वाले हैं वो पता नहीं उनकी, तो मेरे क्या उनसे उनकी लड़की भगा के ले गया था पता नहीं मैं पिछले जन्म में, कि मेरी वीडियो जो उनकी है उसको वो सजेशन के अंदर नहीं भरते डालते, तो ये एक मुसीबत है सबसे बड़ी उनके साथ में मेरी, वो सजेशन में जब तक आएगी नहीं लोगों को पता नहीं लगेगा। इसी वजह से मैं बार बार यार थोड़ा सा जोर डालता हूँ कि आप लोग यार शेयर करते रहिए इसको, यार शेयर करने से क्या है कि आपके द्वारा वो और लोगों के साथ उस पास पहुंचनी शुरू हो जाती है चीजें, आप कर भी रहे हैं तो कर रहे हो यार मुझे पता है, तो उसके लिए सैल्यूट है आपको और बड़े बड़े वाला धन्यवाद भी है। बद्री जी कोने में, तो ठीक है बद्री जी आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजो एक, वहां पर आपको मैं नंबर मिल जाएगा, वहां पर मैं मेरे जो कलीग है मेरे स्वीटी जी हैं वो आपको वहां पर मेरा नंबर दे देगी। PS श्योर सर मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करूंगा। ओके वेरी वेरी थैंक यू सर। कादिर भाई म्यूजिक के लिए CD प्लेयर ब्लूरे प्लेयर से बेस्ट होता है? नहीं भैया ऑडियो CD की कादिर भाई जो उसकी क्वालिटी आती है, अगर एक्चुअल एक ऑडियो CD प्लेयर है आपके पास में उसकी जो क्वालिटी है वो अलग होती है ब्लूरे प्लेयर से। अगर आप ऑडियो CD को प्ले कर रहे हो तो वो भी बाकी के सोर्सेज से तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट कंपेरिजन अगर हम उसका ऑडियो CD प्लेयर से करते हैं तो ऑडियो CD प्लेयर इज मच बेटर देन ब्लूरे प्लेयर। पर्सनली भी आपने मेरी वीडियोस अगर देखी होंगी तो उसमें कुछ वीडियो जो है उसके अंदर मैं एक सैमसंग का ब्लूरे प्लेयर यूज करता हूँ एज अ सोर्स CD प्लेयर के लिए, तो उसमें उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि वो जो सा ब्लूरे प्लेयर है ना उसके अंदर अलग से डेक लगा हुआ है जो कि मेरे को डिजिटल इनपुट जो है उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर वो देता है, यानी कि ऑडियो CD की जो क्वालिटी है ना वो ब्लूरे वही चीज मेरे को 2 चैनल में देता है, वो उसके अंदर ऑप्शन है कि आप एनालॉग से आउट ले रहे हो विद अ डैक, मतलब डैक इनबिल्ट है उसके अंदर, या फिर आपको अगर मल्टी चैनल आउटपुट चाहिए होती है तो उसके लिए कोएक्सल और वो ऑप्टिकल का भी ऑप्शन उसमें दिया हुआ है HDMI को, चलिए है ही है, तो इस वजह से वो वाला ब्लूरे यूज करता हूँ मैं। वो ब्लूरे जो है वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का वो ब्लूरे है, मेड इन कोरिया है वो, चाइनीज नहीं है, तो वो काफी अच्छा है। बट कई वीडियोज आपने पहले देखी होंगी उसमें मैं प्योर ऑडियो CD प्लेयर यूज करता हूँ, वो उसका शेयरवुड का वो ऑडियो CD प्लेयर है, सुपर ऑडियो CD प्लेयर होते हैं वो, उसकी क्वालिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त आती है सर। तो ब्लूरे भी अगर आप लगाते हो अगर तो बहुत अच्छी क्वालिटी इनबिल्ट डैक दे रखे हो जिसके अंदर, वो वाला ब्लूरे भी आप यूज कर सकते हो ऑडियो CD चलाने के लिए। सतीश जी सर मेरा 12x12 का एक रूम है और 18x14 सॉरी 8x14 का एक रूम है, ये दोनों में से कौन सा होम थिएटर? सर 12x12 का जो सा आपका कमरा है सतीश जी, ये जो हमारा कमरा स्क्वायर शेप में आ जाता है ना कि जिसकी लेंथ भी सॉरी गहराई भी और चौड़ाई भी दोनों बराबर होती है, यहाँ पर ऑडियो जो सी है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है एक अच्छी ऑडियो को निकालना, मतलब ये आइडियल नहीं माना जाता। आपका कमरा हमेशा जो सा है वो होना चाहिए एक जो चौड़ाई है कमरे की वो कम हो और जो लंबाई गहराई है कमरे की वो थोड़ी सी ज्यादा हो, तो जैसा कि आपकी 18x14 वाला जो आपने मुझे साइज भेजा सॉरी 8x14 का, 8x14 वाला जो सा आपका रूम है वो ज्यादा बेटर रहेगा सर उसके लिए। हाई डिटेलिंग म्यूजिक सेटअप बजट अराउंड 2 लाख? 2 लाख का बजट है आपका बद्री जी, नए का 2 लाख रुपए कह रहे हो या यूज में कह रहे हो ये भी बताओ, ये बड़ा एक तो चक्कर होता है देखो, क्योंकि अगर आप 2 लाख रुपए यूज आइटम में लगाते हो तो उसके अंदर जो भी चीज आपको मिलेगी वो मिलेगी कम से कम 5 या 7 लाख रुपए का, जो नया सेटअप होगा ना आपको वो 2-2.5 लाख रुपए में मिलता है। अगर आप 2-2.5 लाख रुपए में नया लगाते हो तो वो एक तरीके से उस लेवल का नहीं होगा, होगा तो वो भी ठीक 2-2.5 लाख रुपए कम नहीं होते मगर वो उस लेवल का नहीं होता, तो मैं इसलिए हमेशा हर बंदे से बजट जब पूछता हूँ तो ये भी बोलता हूँ कि भाई नए के लिए है या पुराने के लिए है, तो ये भी बता दो। तो बद्री जी आप भी बता दो कि 2 लाख आपने बजट बताया तो वो नए के हिसाब से बता रहे हो कि पुराने के हिसाब से बता रहे हो? काम तो देखो दोनों में हो जाएगा, नए में भी मिल जाएगा पुराने में भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सर। सदी जी थैंक यू मत करो, वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया है और शेयर कर दिया करो चैनल को यार अपने प्लेटफॉर्म्स पे, तो बस बहुत जबरदस्त वाली बात हो जाती है।
सर सजेशन तो देखिए मैं आपको दे दूंगा बद्री भाई, मगर ये तो आप डिसाइड करोगे ना यार कि नया लेना है या पुराना लेना है आपने। ये देखिए ये काम आपका है, आप जोन सी भी चीज में प्रेफर करोगे उसके अंदर मैं आपको सजेशन दूंगा कि हाँ भैया हम इसमें ये काम कर सकते हैं। तो पहला डिसीजन जो सा होता है वो हमेशा आप ही का होता है कि आपने नए में जाना है या पुराना लेकर भी आपको काम चलता है। रीजन जो है वो दोनों मैंने आपको बता दिया कि नए के अंदर में क्या है और पुराने में जो चीज आपको मिलती है वो कैसे मिलती है। अभी सपोज कर लो कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं मैं कि डेनिम का एक 1600 नंबर है जो कि 45,000 48,000 रुपए आसपास का नया आता है। अभी ऑनक्यो का एक 2 साल पुराना रिसीवर है एटमॉस में 737, वो रिसीवर जो है वो 42,000 रुपए का मैं पुराना बेचता हूँ। तो अभी कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भैया जब 45,000 का नया आ रहा है तो हम 42,000 का पुराना क्यों लें। वो बात तो ठीक कर रहे हैं वो अपनी तरफ से, मगर जो चीज आपको 45,000 की नई मिल रही है अब उसकी क्वालिटी यार एक अलग चीज है। जो चीज आपको पुरानी 42,000 की मिल रही है उसकी नई की जो कॉस्ट है ना वो 1,26,000 रुपए है। तो भाई साहब सीधी सी बात है, 1,26,000 की जो चीज कंपनी बना रही है और जो 1,40-45,000 की चीज बना रही है उसमें दोनों में फर्क तो होगा ही ना। तो ये थोड़ी सी समझने वाली बात होती है, कुछ लोग समझते हैं कुछ लोग नहीं समझते हैं, जो समझ जाते हैं वो समझ जाते हैं, बस जो नहीं समझते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है यूज्ड के अंदर आ गए आप और आपने बोला था मुझे 2 लाख रुपए का, तो ठीक है बद्री जी बहुत अच्छी, 2 लाख के अंदर तो काफी अच्छे ऑप्शंस आपको मैं दे दूंगा। चीज जो सी है कि 2 लाख में तो आपका थिएटर बन जाएगा पूरा, चाहे बेशक आप तो उसके बाद में टिकट लगानी शुरू कर दी ना, 100 रुपये टिकट लगा लिया करना मूवीज दिखाने के लिए, किसी को मतलब अच्छे लेवल का आपका अक्सर काम हो जाएगा। आप एक बार इंस्टा पे फिर बाकी की डिटेल सेंड कर लेंगे तो वहाँ से स्वीटी आपको नंबर दे देगी, आप ले लीजिएगा। और यार कोई भी नया बंदा जुड़ा है ना अगर, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है जो वो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और पुरानी इस वीडियो को भी किसी दिन खाली बैठे हुए चेक कर लेना, हो सकता है कि कोई अमूल्य जानकारी आप ढूंढ रहे हो जो सी वो आपको वहां पर मिल जाए। बाकी वीडियो को यार शेयर करते रहा करो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका इसके लिए बड़े वाला। ओके सर थैंक यू सो मच, थैंक यू मत बोलो बद्री जी, बस वीडियो को लाइक करो और चैनल को शेयर करो जितना भी ज्यादा कर सकते हो। आई हैव सीन योर ऑलमोस्ट ऑल वीडियो, बहुत 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 धन्यवाद है सर आपका बद्री जी। सर देखने के साथ साथ प्लीज शेयर भी कर दिया करो अपने लिंक्स के अंदर अपने सोर्सेज जो आपके जैसे कि ब्लूटूथ नहीं सॉरी सॉरी यार आपकी शेयर कर दिया करो, जैसे कि वो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह होते हैं आपके कोई तो उसमें, या इंस्टा पर फेसबुक पर इस टाइप से, तो चैनल को शेयर भी जरूर करा करो ताकि और लोगों को भी पता लग पाए कि इस नाम का भी कोई बंदा है दुनिया के अंदर। बाकी वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया आपने तो, और आपको अपने या जिसको भी सवालों के जवाब मिलते जाते हैं ना यार अपने, और उनको लगता है कि हाँ वो सेटिस्फाइड हो गए अगर मेरे क्वेश्चन से, तो कर दिया करो लाइक। लाइक बार बार क्यों बुलवाते हो मुझसे, वीडियो को लाइक कर दिया करो। 18 लाइक आए अभी तक, बताओ यार ऐसे कैसे चलेगा, 1.5 घंटे से मैं अपनी बकवास करे जा रहा हूँ और आपने सिर्फ 18 लाइक दिए हैं अभी तक, और डिसलाइक कितने आए हैं ये भी बता देना। चलो आज तो मेरे पास फोन है, दूसरा मैं खुद चेक कर लेता हूँ। अभी तक तो नहीं आया, मतलब कि वो जो मेरा एक बहुत ही ज्यादा प्रेमी बंदे हैं मेरे दो, जो कि डिसलाइक करने के लिए पैदा हुए हैं दुनिया में, अवतार लिया है जिन्होंने, वो भी अभी तक वो आए नहीं है, मतलब कि अभी तक डिसलाइक हुआ नहीं है। चलो आ जाएंगे वो भी।
सर पाइनियर HTP 067 वर्सेस यामाहा 3072। सी ऑफ कैरियोसिटी जी HTP 076 के ऊपर वीडियो ऑलरेडी डली हुई है पहले, और 3072 के ऊपर वीडियो जो सी है वो जल्दी डल जाएगी, अभी तैयार हो रही है वो। आई थिंक अभी जो सी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो तो है उसके ऊपर, ऑनक्यो के एक सेटअप के ऊपर है जो कि डॉल्बी एटमॉस अनेबल है। उसके बाद में जो सी वीडियो है वो यामा के 3070 की ही है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कीजिए और तब तक वो 0726 वाली जो वीडियो है वो आप देख लीजिए, फिर अपने आप ही उसको यार यामा वाले से कंपेयर कर लेना कि दोनों में से कौन सा आपको ठीक लगता है। बाकी यामा का जोन्स है वो वैसे वो ज़्यादा बेटर है उस वाले से, बेशक यामा जोन्स है वो एटमॉस में नहीं है, वो जोन्स है वो एटमॉस है, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि यामा जोन्स है वो ज़्यादा बेटर है उस पैकेज से। सतीश जी कह रहे हैं हा। नहीं सर सच्चाई है ये, वैसे मैंने जो बताया ना आपको वो बहुत बड़े प्रेमी हैं सर मेरे, कि ऐसी ऐसी वीडियोस के ऊपर वो डिसलाइक कर देते हैं जिसके अंदर डिसलाइक वाली कोई बात ही नहीं होती। सपोज दैट मैंने अगर आपको अगर ये बोला कि यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपने इतना साथ दिया मेरा, तो वो इसके ऊपर भी डिसलाइक मार देते हैं। भाई साहब इसमें डिसलाइक किस बात पे कर रहे हो यार, इसमें तो कुछ कहा ही नहीं मैंने, कुछ बताया ही नहीं मैंने आपको, तो जो कुछ गलत बोला हो या कुछ किया हो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं उसमें। बाकी लाइक्स अभी बढ़े हैं थोड़े से, 21 हुए हैं, तो आपने मतलब कि मेरे जो अभी मैंने बोला आपने सुन लिया उस चीज को, तो थैंक यू है यार आपका जिस जिसने भी सुना। अमित भाई मेरा लाइक पक्का है, बिल्कुल कादिर भाई आपको मैं बताता हूँ ना सर, कुछ लोग ऐसे हैं कि जब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ ना, स्टार्ट होते सारी लाइक जो से है ना वो 4 5 6 लाइक होते हैं, वो अपने आप पहले ही बढ़ जाते हैं, तो वो किस किस के बढ़ जाते हैं मुझे खुद को पता है वो चीज़ का। देखो वो कौन कौन करता है वो लाइक, वो मेरे को इस चीज़ का पता है, बहुत से बंदे मुझे ऐसे पता है जो उनसे कि आते सारी पहले लाइक ठोक देते हैं वो, तो हालांकि मैं ये चीज़ कहता नहीं कभी भी कि ऐसे आप करो, पहले आप वीडियो को देखा करो, कुछ उसमें आपको लगे कि हाँ आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मेरी तरफ से जो मिला है आपको, हाँ अच्छा जवाब मिला सेटिस्फाइड है, तो वैसे लाइक करना चाहिए, बट फिर भी मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको जो भी लोग आप लाइक करते हो, उसमें कादिर भाई आप भी हो, आप हो, अजीत भाई हैं और हमारे कनकेश जी हैं वो करते हैं, और इसके अलावा एक सतीश जी हमारे जो है वो आते ही लाइक ठोक देते हैं, वो भी सुनील जी हैं हमारे जो से नांगलोई वाले वो हैं, वो भी आते ही लगा देते हैं लाइक, और मतलब इस टाइप से। और भी मैं माफी चाहूंगा अगर मैं नाम ना बता पा रहा हूँ अभी सभी का, तो काफी बंदे ऐसे हैं जो उनसे आते सारी जिनका मुझे पता है कि उन्होंने आते सारी ये ठोकना ही ठोकना है, तो कादिर भाई आपका तो यार देखो पता ही है आपका हो गया, या और भी जो उनसे जितने हैं बंदे। एडवर्टाइज चल रही है दूर मोबाइल पे लाइक पर, सर एड तो नहीं है यहाँ पर, मुझे तो कोई एड नहीं शो कर रही। ईशा शर्मा जी हेलो पापा, हेलो बेटा जी, ये मेरा वही बंदर है जो सा पाला हुआ एक बंदर मैंने आपको दिखाया था पिछली लाइव के अंदर, उसी का मैसेज आया अभी अभी, हेलो पापा, हेलो बेटा, तेरी गॉड ऑफ वार हो गई खत्म कि नहीं हुई अभी, या अभी भी लगा हुआ है गॉड ऑफ वार भी? प्रदीप जी इस मतलब समझा नहीं, थोड़ा सा बताओ क्या कह रहे हो अभी, कि एडवर्टाइज चल रही है दूसरे मोबाइल पे आपके लाइव में, सर समझा नहीं मैं, मेरे को प्लीज ये जो जो एडवर्टाइजमेंट वाला जो सा किस्सा ना ये मेरे को क्लियर करो पहले यार, मैं एक मतलब कि ना अंदर से है ना एक ना वो कैरोसिटी सी बनी रहेगी, नहीं तो कि यार ये क्या है ये क्या कहना चाह रहे हो आप लाइव पे वीडियो में, कैसे लाइव पे वीडियो आ रही है मेरे को समझ नहीं लग रहा। हो गई है फिनिश, ओके वेरी गुड, तो उसको बंद कर दो और पढ़ाई लिखाई की तरफ भी ध्यान दे दो थोड़ा सा।
अब तो टैब लेके बैठ गया होगा मतलब। यार चार बंदी रह गए बस, कहाँ चले गए सारे? ये क्या हो गया भैया, कहाँ गोली हो गए सारे? सर यामा YSG 1840 के ईवी रिसीवर में सिर्फ डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट है, और उसमें बाकी ऑडियो फॉर्मेट्स लाइक Dolby 2 HD, DTS SD, Dolby Atmos 20X में 5.1 का इफेक्ट मिलेगा कि नहीं? ना सर जो सा ये CEO ऑफ यूनिवर्सिटी जी 1840 जो सा है उसके अंदर देखो, वो ना तो आपका एटमॉस है ना ही आपका उसमें DTS X मिलेगा आपको, मगर बाकी के जो से फॉर्मेट्स हैं जो से वो सारी उसमें करते हैं, वो सपोर्ट करता है। तो प्लीज आप एक बार वो वीडियो देख लो इसकी, सॉरी इसकी वीडियो डली हुई है पहले से एक, उसमें मैंने पूरी डिटेल इसकी बताई है, वो वाली वीडियो आप एक बार देख लो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सभी फॉर्मेट उसमें मैंने बता दिए कि ये सपोर्ट करते हैं, ये नहीं करते हैं, तो हर एक चीज बताई हुई है उसके अंदर। प्लीज आपसे निवेदन है कि आप उस वीडियो को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, आपके सभी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सर प्रदीप जी, अभी मैंने मेरे भाई के मोबाइल से लाइक करने के लिए आपके लाइव पे क्लिक किया तो पहले एडवर्टाइज चली और उसके बाद लाइव चालू हुआ। ओके ओके प्रदीप जी, अब समझ गया मैं। तो सर ऐसा हो सकता है कि जो बंदे तो लाइव को स्टार्ट कर रहा हुआ है, जिन्होंने पहले से ही जैसे कि जुड़े हुए हैं साथ में, तो मे भी हो सकता है कि उनके उस पे लाइक नहीं शो होती होगी, बट जितनी लाइक रिकॉर्डेड होती जाती है साथ साथ, तो कोई नया बंदा बीच में अगर ज्वाइन करता है उसको, तो मे भी हो सकता है कि तब वो एडवर्टाइजमेंट उसमें शो कर देता हूँ। अच्छी बात है, एडवर्टाइजमेंट आनी देखो अच्छी है, जरूरी है, क्योंकि पैसे तो वहीं से मिलने हैं। और बाकी यही इतनी भी ज्यादा ना आई, जैसे कुछ वीडियो मैंने अपनी खुद की देखी है, तो वो 10-15 मिनट की एक वीडियो थी, तो उसके अंदर में पता नहीं 4 या 5 बार ही एडवर्टाइजमेंट आ गई थी, तो इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आनी भी सही नहीं है। एक स्टार्टिंग पे आ जाए, एक एंड में आ जाए, एक बीच में आ जाए हाथ मार के, तो बहुत ज्यादा आना जो उनसे वो भी सही नहीं है, कि आप इरिटेट ही हो जाओ उससे कि यार अभी बीच में पहले ऐड आ जाती है उसके। तो अभी मेरे को वहां के लिए ना ऑथराइजेशन नहीं मिली हुई एड्स को सेट करने के लिए कि मैं अपनी मर्जी से उन्हें लगा सकूं, बट जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ते जाते हैं तो हमें नए नए ऑप्शन जो है ना वो मिलते जाते हैं यूट्यूब की तरफ से। तो थोड़े से टाइम के बाद में क्या होगा कि मैं अपनी मर्जी से जहां पर ऐड चाहूं वहां लगा सकता हूं, जैसे कि अभी बीच में ऐड आ जाती है ना, तो मैं अगर चाहूं तो मैं वो बीच वाली ऐड को खत्म कर सकता हूं, तो अभी तो नहीं कर सकता, मगर थोड़े टाइम में करना शुरू कर दूंगा, तो मैं बीच में ऐड जो चाहिए वो हटानी शुरू कर दूंगा कि वीडियो के बीच में कोई ऐड ना आए, एटलीस्ट अगर आए भी तो अगर लंबी वीडियो तो उसमें एक या दो ऐड आ जाए, बाकी ना आए। तो अभी आप वो ऐड को देख लेना, देख लिया करो, क्योंकि वहीं से मुझे पैसे मिलेंगे जो थोड़े बहुत मिलेंगे। और अभी तक की मेरी कमाई की बात करता हूँ तो सर मैं अभी $1.5 कमा चुका हूँ यहाँ से, $1.5 कमाई हुई है मेरी अभी तक यहाँ से, और उसमें मैंने $1.5 में एक ये वाली पेप्सी ले ली थी, एक कल वाली पेप्सी ली थी, तो वो पूरे हो गए थे उसमें, और थोड़े से स्नैक्स आए थे साथ में, तो वो मैंने पूरे कर दिए थे। मजाक है, मतलब यार सीरियस मत हो जाना कहीं। कादिर जी, म्यूजिक सुनने के लिए CD प्लेयर ब्लूरे प्लेयर से बेस्ट होते हैं? हाँ जी कादिर भाई, वही मैंने आपको पहले बताया कि जो CD प्लेयर है वो ज्यादा बेटर है सर, ब्लूरे प्लेयर बेटर है। अगर आपका हाई क्वालिटी का ब्लूरे प्लेयर है, उसमें सुपर CD लेंस लगे हुए हैं, डेक अच्छा लगा हुआ है उसके अंदर में, तो वो भी बेटर है, बट अगर नॉर्मली बात करते हैं तो ऑडियो CD प्लेयर जो है वो ज्यादा बेटर है हमारे ब्लूरे प्लेयर से ऑडियो CD को सुनने के लिए। एक मिनट यार, कैब गिर गया। प्रदीप जी ऐसा पहले नहीं होता। हाँ तो सर पहले चैनल मोनेटाइज नहीं था ना, अप्रूव नहीं हुआ था पहले चैनल, तो अभी जब वो अप्रूव हो गया है अब, तो इसलिए फिर उसमें ऐड आनी शुरू हो जाती है ना ऑटोमेटिकली, सभी वीडियोस पे ऐड आनी शुरू हो जाएगी, तो रैंडमली जैसे भी आएगी वो। अमित सर आपका साथ कहाँ गए यार, तो ये ऊपर पता नहीं क्यों भाग जाते हैं कमेंट्स।
प्रदीप नहीं, सतीश कुमार जी कह रहे हैं, अमित जी आपका साथ जब से सब से जुड़ा हूँ, मेरे सपनों को जैसे पंख लग गए, आपके हेल्प से मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा, एक अच्छा सा होम थिएटर बनाने का। सतीश जी देखो, जितनी हेल्प या जितनी हेल्प ही जितनी भी मदद कर सकूंगा सर आपकी अपने लेवल पर, देखो बिल्कुल करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। तो आप सभी का धन्यवाद है मेरे पे विश्वास करने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक जी जी प्रदीप जी बिल्कुल। सी ऑफ क्यूरियोसिटी सर, यामा ऐसी ये कि वीडियो देख ली मैंने, पर ये क्लियर हो रहा है कि उसमें डॉल्बी एटमॉस बिल्कुल नहीं चलेगा या फिर कुछ नहीं। सर डॉल्बी एटमॉस नहीं चलेगा उसके अंदर बिल्कुल, वो डॉल्बी एटमॉस एनेबल सेट है ही नहीं, तो वो चलेगा कैसे? उसके अंदर 5.1 का पैकेज है वो, तो 5.1 कॉन्फ़िगरेशन का जो सा साउंड है वही आपको उसमें मिलता है। दो सराउंड स्पीकर में आवाज आती है, दो हमारे फ्रंट स्पीकर लेफ्ट राइट होते हैं, एक हमारा सेंटर स्पीकर होता है, एक हमें सब ऊपर दिया होता है। तो उसमें 5.1 चैनल का ऑडियो आपको मिलेगा, एटमॉस एनेबल सेट नहीं है वो, उसमें एटमॉस का या DTS:X का सपोर्ट आपको नहीं मिलता। अगर आपको डॉल्बी एटमॉस के लिए सेटअप चाहिए तो बजट के ऊपर डिपेंड करता है आपका, तकरीबन एंट्री लेवल की तरफ भी अगर हम बढ़ते हैं तो 1 लाख रुपए का सेट है ऑनक्यू होगा, 1,05,000 रुपए का पैकेज पड़ता है वो, जिसके अंदर हमें 5 स्पीकर होते हैं। उसकी वीडियो डलेगी अभी शायद, देखो मे भी हो सकता है तो मैं कल सुबह डाल दूंगा उसको, क्योंकि वो बनी हुई है वीडियो, बस अपलोड नहीं हुई है वो अभी, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, बीच में बिजी था अभी किसी प्रॉब्लम में, तो अपलोड वगैरह नहीं करी हुई वो। हो सकता है कि कल सुबह अपलोड कर दी जाए, तो आप एक बार वो वाली वीडियो पूरी देख लेना, उसके अंदर भी सारी डिटेल मैंने दे दी है उसकी। तो अगर वो आपके हिसाब से आपकी नीड्स को फुलफिल करता हो तो आप उसको ले सकते हो, अगर नहीं करता होगा तो आप नहीं ले सकते। हाँ सर वो तो है ही, वो तो डिकोडर लगे होते हैं उसके अंदर। अगर आप उसे अपर मॉडल अपर फॉर्मेट को प्ले करते हो किसी भी, जैसे कि आप कह रहे हो कि मैं डॉल्बी का अगर वो चलाता हूँ, तो उसमें होता क्या है कि जो डॉल्बी का कंटेंट आप ले रहे हो चला रहे हो उसके अंदर, तो वो खाली जो है वो डॉल्बी कंटेंट ही नहीं होता उसके अंदर, उसके अंदर में और भी फॉर्मेट्स हमारे जो है वो दिए गए होते हैं। उसमें डॉल्बी भी दिया होगा, डिजिटल सिनेमा भी दे रखा होगा, आपका 5 पॉइंट चैनल है, 7.1 चैनल है, उसकी सभी के लिए फॉर्मेट उसमें होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर वो एक मान लो डिस्क है तो वो उसमें डॉल्बी लिखा तो वो डॉल्बी है खाली, ऐसा नहीं है। आप जब उसे प्लेयर में चलाओगे ना, तो आपका जो रिसीवर है जो उसको उसको रिसीव कर रहा है सिग्नल को, वो जिस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बना है ना वो उसको उसमें प्ले करेगा। आप एटमॉस की डिस्क चला रहे हो तो आपको 5.1 का जो साउंड है वो मिलेगा उसमें, उसमें डॉल्बी डिजिटल होगा या DTS होगा जो भी होगा वो उसको प्ले करेगा। ऐसा नहीं है कि एटमॉस अनेबल नहीं है अगर आपका सेट तो वो आवाज ही नहीं देगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मतलब लेट समझा मैं आपका, मगर देर आए दुरुस्त आए। लाइक बनता है, आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को शेयर नहीं किया है जिसने भी, शेयर नहीं, शेयर भी चलो शेयर नहीं किया है जिसने, वो शेयर भी करते रहना। और अगर कोई नया बंदा जुड़ा है जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और किसी दिन खाली बैठ के पिछली वीडियोस को चेक कर लेना, हो सकता है कि आपके किसी ना किसी सवाल का जवाब आपको उसमें मिल जाए। तो चलो आगे निकलते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। CD प्लेयर न्यू आते हैं? बिल्कुल आते हैं काजी भाई, नए आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बहुत सी कंपनीज हैं, अच्छी कंपनी है, रॉक्सन है, रॉक्सन के CD प्लेयर अच्छे हैं, मरांट्स है, सभी के आते हैं, ऑनक्यू है, डेनन है, सभी हर कंपनी जो उनसे है वो CD प्लेयर बनाती है। इंडिया के अंदर लोगों को अगर बोलो ना कि CD प्लेयर, तो वो आगे से उनका उनका जो शक्ल जो रिएक्शन होता है ना वो पता कैसा होता है, पता नहीं जैसे क्या बोल दिया आपने, CD प्लेयर पागल है, पर CD कौन सुनता है आजकल, ब्लूटूथ चलता है, जमाना है ब्लूटूथ का यार, पेन ड्राइव लगाओ ब्लूटूथ लगाओ, CD कौन सुनता है, बुढ़े सुनते थे CD तो हमारे बुढ़ापे में, बुढ़ापे के टाइम वाले जो बंदे थे, ये रिएक्शन मिलते हैं लोगों के, उनको पता ही नहीं है कि यार असली मजा है किस चीज में। और भैया अगर आपने एक बार स्कूल की आवाज सुन ली ना तो आप फिदा हो जाओगे उसकी आवाज पर, मगर ये है कि वो उस काबिल होना चाहिए कि जो स्पूल आप यूज़ कर रहे हो वो भी एक अच्छी कंपनी का हो, हेड अच्छे हो उसके, जो टेप आप यूज़ करोगे वो टेप जो है वो साफ हो, अच्छी टेप हो,
क्या क्लैरिटी देगा वो आपको। नंबर वन पे जो है वो स्पूल आता है क्वालिटी के अंदर, उसके बाद में आती है हमारी वेनल रिकॉर्ड्स, उसके बाद में हमारा आता है ऑडियो सीडी प्लेयर, उसके बाद में जो उनसे जितने भी आए हैं वो सभी एक तरीके का मैशअप ही है, गंदी है वो, तो कंप्रेस्ड ऑडियो में ही है वो सभी। बाकी थोड़ा सा अभी एक जो नए हमारे अब रिसीवर्स आने लगे हैं उसमें एक ऑप्शन जो उनसे हमें अलग से स्ट्रीमिंग का देना शुरू कर दिया कंपनीज ने, जो एप्स वगैरह हैं तो वहाँ से हाई रेजोल्यूशन साउंड आप प्ले कर सकते हो, वेव फाइल है उसके, वो क्या होती हैं वो फ्लैग फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं तो वो आप प्ले कर सकते हो, तो उससे भी क्वालिटी जो है वो सही ठीक मिल जाती है। ओके सर, लाइक कर दिया, एकदम क्लियर हो गया, थैंक्स सर। डन डैनन उनकी ओके, सर्विस नेटवर्क है इंडिया में, बिल्कुल सर इंडिया के अंदर अभी तो देखो हर एक कंपनी का सर्विस सेंटर है यहाँ पे, कोई भी ऐसी कंपनी अभी यहाँ पर नहीं है जिसका सर्विस सेंटर नहीं है। हाई एंड जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की कंपनीज हैं उनके सर्विस सेंटर नहीं है यहाँ पर, बट वो किसी और कंपनी से उनका टाई अप होता है, जैसा कि मान लो कि सपोज दैट कोई भी कंपनी हम ले लेते हैं, एक क्या लेते हैं इमोटिवा लेते हैं मान लेते हैं, तो इमोटिवा का अगर यहाँ पर सर्विस सेंटर नहीं है तो उन्होंने किसी और कंपनी को हायर करा होगा, मान लो उन्होंने शेयर हो सकता है ऑनक्यो को हायर किया हो कि ऑनक्यो वाले ही आपको इमोटिवा की भी सर्विस देंगे। बाकी ये जो डेनन है, मैनांस है और ऑनक्यो है, पाइनियर है, हारमन गार्डन है, ये सभी जो उनसे इनके सभी के सर्विस सेंटर यहाँ पर अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर। यामा है, यामा का भी आपको यहीं मिल जाएगा। लाइव सेशन में बंदे कम नहीं होते जा रहे यार, अभी यहाँ पर तीन चार बंदे शो हो रहे हैं कि चार बंदे ही कनेक्टेड हैं। चार में से एक तो मैं खुद ही हो गया, मतलब तीन ही बंदे कनेक्ट हुए, एक तो मैं खुद हूं। सर इंडिया के यूट्यूब में होम थिएटर की कम्युनिटी नहीं है। सर इंडिया के अंदर देखो होम थिएटर की जो है ना, होम थिएटर एक बहुत ही ज्यादा ना कॉमन चीज है, बहुत ही कॉमन है, मगर वो होम थिएटर जिनको लोग बोलते हैं ना वो एक्चुअल में होम थिएटर होते नहीं है। अब यहाँ पर इंडिया में क्या है कि एक 2.1 सिस्टम है, अगर स्पीकर पैकेज है तो उसको भी लोग होम थिएटर बोलते हैं, 5.1 ये जो होते हैं हमारे FND हो गया या एडिफायर हो गया इस टाइप के जो से हैं उसको भी वो सभी होम थिएटर बोल रहे होते हैं, जिसके अंदर एटलीस्ट डिजिटल इनपुट का ऑप्शन तक नहीं होता तो उसे भी होम थिएटर बोलते हैं। एक्चुअल में वो होम थिएटर नहीं है यार, वो मल्टीमीडिया स्पीकर्स होते हैं, होम थिएटर इज अ डिफरेंट थिंग, तो पता ही नहीं मतलब क्या है लोगों को। और बाकी कुछ हमारे जो बड़े भाई हैं हमारे, यूट्यूबर्स हैं हमारे, उन्होंने भी पता नहीं क्या ये चीज़ गलत जानकारियां मतलब दे रहे हैं या क्या, या उनको खुद को नहीं पता, मुझे नहीं पता जो भी होगा, तो वो खुद ही एक 2.1 सिस्टम को रिव्यू कर रहे हैं और उसको होम थिएटर बोल रहे हैं। और आपको एक चीज और बताता हूँ यार, साउंड बार है ना, साउंड बार जो सी है ना वो हमारे टीवी के से कनेक्ट करने के लिए बनाई गई है, यानी कि एक वीडियो के साथ में आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिल सके इसके लिए बनी है। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर साउंड बार्स की देखी है ना, उसके अंदर भाई साहब वीडियो का तो कोई जिक्र ही नहीं करता, हर बंदा उसकी म्यूजिक चला चला कर उसको मतलब की बताता है कि इसमें बेस देखिए एक बेस अच्छा आ रहा है, गाने सुनते हैं तो ये अच्छा है, उसकी आवाज अच्छी आ रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, गाने सुन रहे हैं, मतलब ऑडियो को ही एक लेके चल रहे हैं जैसे कि वो कोई म्यूजिक सिस्टम है। यह साउंड बार जो है वो म्यूजिक सिस्टम नहीं है, वो हमारा टीवी के साथ में कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है कि टीवी के अंदर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो टीवी के जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसको इनहेंस करने के लिए एक साउंड बार लगता है। तो मगर यहाँ पर तो भाई सब सब पता नहीं क्या है, क्या बनाया हुआ है यार लोगों ने, मेरे को नहीं पता। कई बार तो मतलब ये चीजें देख सोच के ना गुस्सा भी आता है कि ये क्या हो क्या रहा है। और इतने अच्छे अच्छे चैनल है, एक एक मिलियन सब्सक्राइबर्स है उनके। अब ये मत समझना कि मैं मुझे जलन हो रही है उनसे, ऐसा कुछ नहीं है।
बाकी होती है, क्यों नहीं होगी, होएगी, बिल्कुल होगी। भाई साहब एक चीज ही गलत बता रही है जो उनसे, तो वो फिर भी लोग उनको कमेंट्स देखो, अगर पढ़ो उनके तो कमेंट्स में आ रहा होता है कि हाँ वो धन्यवाद सर, आपने हमारे सारे डाउट क्लियर कर दिए, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। ओ भाई साहब मैं तो क्या कहता हूँ कि अगर मतलब मैं उन बंदों को नहीं गलत कह रहा जो कमेंट कर रहे हैं, मैं जिस बंदे को कमेंट जा रहे हैं यार उसको मैं गलत कह रहा हूँ। क्यों यार, एक मतलब तुम्हारे व्यूअर्स तुम्हारे ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो चीज तुम उन्हें बता रहे हो वो बिल्कुल उसको सच मान के चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है कि तुम अपने सब्सक्राइबर्स को एक सही जानकारी दो कि वो जो डिजर्व करते हैं उनको वो चीज मिले। तो मगर ये गलत है, इस चीज को लेके मुझे गुस्सा याद आता है इनके ऊपर में। तो यानी मेरे मुंह से और कुछ निकलना शुरू हो जाए इससे पहले तो हम आगे बढ़ जाते हैं। सर ये हो गया, खत्म हो गया। वाई आर जी, नहीं सॉरी आर वाई जी, भाई आपने घिटौरनी वाले बंदे ने क्या फ्रॉड किया आपके साथ, वो स्टोरी बताओ प्लीज। नहीं सॉरी प्लीज नहीं लिखा आपने, बताओ। बिकॉज स्टिल ही इज वेरी एक्टिव एंड कॉलिंग स्पीकर। आप सर देखो आर वाई जी, जो बंदा एक बार फ्रॉड के रास्ते पे चले निकल लेता है ना, वो दोबारा कभी भी ना सीधे रास्ते पे नहीं आ सकता। एक चस्का होता है ना, जो चस्का वो चस्का उसको लग जाता है। तो मेरे साथ में जो फ्रॉड, क्या फ्रॉड कहें या उसको क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। एक्चुअल में मैं आपको अभी पूरी डिटेल बताऊंगा तो हो सकता है बाकी के लोग सारे बोर होना शुरू हो जाएं, तो चलो चुगलियां करते हैं मिलके। एक्चुअली में क्या था कि हमने मैं पहले अकेला ही जैसे कि काम करता था, ये अपने वहां करता था, मैं वहां करता था, मैं जानता नहीं था इसको। तो धीरे धीरे करके जान पहचान होनी शुरू हो गई, कुछ सामान उससे कभी मुझे चाहिए तो मैं उससे मंगवा लेता था, मुझे उसको चाहिए मुझसे मंगवा लेता था, इस टाइप से एक थोड़ा सा रिलेशन आपस में बिल्ड हो गया। तो मेरे पास में क्या था कि मैं अकेला था काम करने वाला, मेरे साथ कोई नहीं था। तो मेरे पास में ना इंस्टॉलेशन का काम काफ़ी आता है, जैसे कि जिम के अंदर सेटअप लगने होते हैं, एडिटोरियम्स में लगने हैं, कुछ मॉल्स वगैरह में लगने हैं, रेस्टोरेंट्स में लगते हैं, तो इस टाइप का आता था। तो अकेले होने के कारण मैंने सोचा कि यार चल बंदा ठीक है, इसको अपने साथ में ऐड कर लेते हैं। तो इससे बात हुई, तो ये भी एग्री हो गया। तो उस कंडीशन में हमने क्या करा, हमने पार्टनरशिप में दोनों दिया। लीड जो होती थी वो सभी मेरी होती थी, मेरे एरिया के आसपास का काम सारा आता था मेरे पास, तो उसमें वो भी शामिल कर लिया उसको। तो जो भी प्रॉफिट हुआ करता था वो हम दोनों आपस में आधा आधा करते थे। तो इस कंडीशन में होता क्या था कि वो बंदा जो उनसे है वो काफी दूर से आता था, तो जब काम ज्यादा नहीं होता था तो मैं अकेला ही कर लिया करता था, उसको मैं मना कर देता कि तू छोड़ आज, कि कहाँ कितनी दूर से आएगा, तू काम का छोड़ दे। चलो ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद में क्या है कि रात के टाइम, शाम के टाइम इसको दिखना जो उनसे है ना वो कम दिखता था उसको, तो स्कूटी वगैरह चलाते हुए ना डर लगता था इसको। तो इसे मैं जितना भी काम हो जाए मेरे पास में, मैं शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास इसको कह देता था कि यार आप चले जाओ, आप तो बाद में तुम्हें दिक्कत होएगी जाने में, अंधेरा पड़ना शुरू हो जाता है, तो तुम अभी निकल जाओ। मतलब इतना मैं कॉपरेट करता था। कर करके 2 साल या 3 साल इसने मेरे साथ ऐसे काम करा है, तो भैया बहुत अच्छा पैसा मैंने इसको कमा कर दिया, ये लगा लो तुम। सामान मैं लेता था, उसके बाद में फिर पार्टनरशिप टाइप सी हो गई, तो सेल जो होती थी उसमें भी हिस्सेदारी वाला काम हो गया। उस कंडीशन में ये क्या करता था कि वहां पर जो सामान बेच रहा है ये खुद, उसके बारे में तो बताता नहीं था, मगर जो सामान मैं बेचता था उसकी आधे जो सा प्रॉफिट था वो ये ले लेता था। चलता रहा, तब भी चलता रहा, मैं कहा चलो छोड़ो ठीक है। बट धीरे धीरे करके काफी सारी ऐसी बातें आनी शुरू हुई, तो मैं एक, मेरे को ना मेरी एक आदत है कि मैं ट्रस्ट अगर बंदे पे करता हूँ ना तो कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर लेता हूँ। तो एक मतलब कि मुझे लग भी रहा होता है ना कि अगला बंदा फ्रॉड है, तो मेरे माइंड में ये नहीं होता कि मैं अभी उसको रोक दूँ, मेरे दिल में होता है कि उसको देखने का होता है मेरे, कि मैं देखूँ कि ये कहाँ तक जा सकता है बंदा। तो इस चक्कर में वो चलता रहा। बाद में हमने ना प्लान किया, हमारे पास एक्चुअल में क्या था, एक एयरफोर्स का एक हमें काम मिल रहा था वहां पर थिएटर बनाने का। तो उसमें सारी बात हुई उनसे, हमने गए वहां पर जो उनके जो हेड थे वहां पे एयरफोर्स के, उनसे बात करी, सब कुछ हुआ, क्लियर हो गया सब कुछ ही, कि ठीक है मतलब टेंडर आपका पास भी करवा देंगे, आप 3 कोटेशन दे दो, मतलब टोटली डन हो गया वो, कि वो काम जो उनसे वो हमें मिलना था, और हमारी जो प्रोफाइल है ना उसके लिए वो काम जो था ना बहुत फायदेमंद था, कि अगर हम एक थिएटर बना रहे हैं एक गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर, एयरफोर्स जैसे सेक्टर के अंदर, तो ये बहुत बड़ी एक प्लस पॉइंट हमारी कंपनी के लिए था। बट वहां पर क्या था कि हमारी जो सी कंपनी वो रजिस्टर्ड नहीं थी, तो ना ही हमारे पास उस टाइम जीएसटी नंबर था, ना ही हमने कोई पर्टिकुलर अलग से हमारा शोरूम था, ऐसा नहीं था। तो इस कंडीशन में उन्होंने हमें ये बोला कि आप ये सभी तैयारी कर लो, उसके बाद में हम आपको ये जो सा है प्रोजेक्ट ही आपको दे देंगे हम।
तो उस सिलसिले में फिर हमने पहले शोरूम लिया, उसके बाद जीएसटी नंबर लेना था, तो बात बात हुई इसकी कैसे करना है, तो जीएसटी नंबर भी ट्रस्ट तो था ही मुझे इसमें, मैं कहता है काम कर तू अपने नाम पे ले ले, इसने अपने नाम पे जीएसटी नंबर ले लिया, बैंक अकाउंट जो खुला हमारा करंट अकाउंट वो भी इसी के नाम पे, कंपनी का जो नाम आया वो सिने साउंड के नाम से इसका था, मेरा आर एस ऑडियो था, तो गिटोड़नी में हमने शुरू किया था वहाँ पर, तो सिनी साउंड के नाम से इसने बोला कि शुरू करते हैं वो ज़्यादा अच्छा है, मैं कहा चल ये भी ठीक है कोई बात नहीं। तो मेनली जो हमारी बात हुई थी ना वो मेरी इससे हुई थी, मैं कहा यार भाई देख रोज़ रोज़ वहाँ आना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं वहाँ रोज़ रोज़ नहीं आ सकता, पहली कंडीशन ये है मेरी अगर तू पार्टनरशिप करना चाहता है मेरे साथ। इसका भी उसने बोल दिया कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो तू जैसे भी तेरे को ठीक लगे एक दो दिन में तीन दिन में तू एक बार तो आई जाए कर, और बाकी मेरे तो घर के पास है मैं रोज़ आऊँगा, और किसी दिन मैंने कहीं जाना है या कुछ है तो तू ज़रूर आइयो। मैं कहा चल ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, मैं कहा यार अभी देख अगर मैं वहाँ इतना पैसा लगाता हूँ, वहाँ पर 25-30 लाख रुपए मेरे भी लगेंगे, तो जाहिर सी बात है इतना पैसा अगर मैं लगा रहा हूँ तो मेरा अंदर से खुद की भी मेरा होगा कि मैं वहाँ पर रेगुलरली टाइम से जाऊँ और काम करूँ वहाँ पर जाकर। सब हो गया, इसके बाद थिएटर रूम बनना था, भाई साहब वो थिएटर रूम मैंने बना दिया, सामान हमारे इधर उधर से कई जगह से और जैसे सामान आता था, पूरी गाड़ी लेके एक महीना तो ये लगा लो मैं बैठा तक नहीं गाड़ी में, कभी सामान यहाँ लेने जा रहा हूँ कभी वहाँ लेने, इसको साले को गाड़ी चलानी नहीं आती थी इसे, तो ये इस चक्कर में भी नहीं करता था काम नहीं कर पाता था, वो कर कुर के सब कुछ हो गया, अपनी क्लाइंटे जिसको बताई मैंने कि जो क्लाइंट्स थे हमारे वो सारे हमने वहाँ डाइवर्ट करने शुरू कर दिए, सामान जितना भी यहाँ पर पड़ा हुआ था वो सामान वहाँ पहुँच गया, जो पैसा यहाँ पर सामान बेच के आता था वो भी वहीं लगी गया साथ में, मतलब टोटली जो सा मेरा हिसाब किताब था सारा वहाँ चला गया था, वो सब कुछ हो गया कंप्लीट हो गया एंड हो गया ना, जबकि हाँ अभी ऐसा जब हो गया कि हाँ भाई हम एक दो दिन के अंदर अब ये काम जो है वहाँ पर शुरू कर सकते हैं, तब मैं यहीं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो इसको मैंने फ़ोन किया, मेरे फादर भी साथ ही थे, तो मैंने इससे बोला मैं कहा यार अपने ना फादर का नाम और एड्रेस वगैरह सेंड कर दो, तो वो जो पार्टनरशिप डीड बननी है वो बनवा लेते हैं हम उसमें। तब ये बंदे ने मेरे को बोलता है कि उसमें ना एक चीज़ और मेंशन करवा देना कि सुबह 9 बजे आना है यहाँ पर शोरूम पे और रात को 8 बजे तक रहना है और कोई छुट्टी नहीं है। तो मैं ये बात सुन के मैं हैरान रह, मैं कहा मतलब, मैं कहा भाई तेरे क्या, मैं क्या तेरे पास नौकरी करने के लिए आ रहा हूँ क्या कि जो तू मेरे को ये टाइम का बता रहा है। कह रहा नहीं वो टाइमिंग वगैरह होनी चाहिए ना, मैं कहा वो तो हमारी पहले बात हो चुकी है, मैं तो तेरे से एग्री ही इसी बात पे हुआ था कि मैं रोज नहीं आ सकता, तूने एग्री किया था अपना, तब हमने ये चीज़ शुरू करी थी, तो इस वजह से मैं साफ सी बात जो सी है करी नहीं, नहीं पहले फिर कहता कि मैंने कुछ और सोचा हुआ था तो अभी मैं कुछ और सोच रहा हूँ ये है। वो फादर साथ बैठे थे मेरे तो उन्होंने भी सुन लिया ये, तो उन्होंने एक्चुअली में फादर ने मेरे पहले ही मना किया था मुझे कि बंदा ठीक नहीं है ये, तू धोखा खाएगा उससे मैं बता रहा हूँ, बट वो कहते हैं ना कि नहीं जी बंदा जब तक ठोकर ना लगे संभलता नहीं है, बादाम खाने से अकल नहीं आती ठोकर खाने से आती है, तो मैं नहीं मानी उनकी बात। मेरा टोटली पैसा वहाँ जा चुका था, सामान जो मेरे यहाँ पर था वो टोटली वहाँ जा चुका था, कस्टमर तक जो मेरे पास थे जो उनसे वो भी सारे जो उनसे कस्टमर हैं वो वहाँ पर डाइवर्ट हो चुके थे, और जो सोर्सेज थे मेरे वो भी सारे उसको पता थे, सोर्सेज भी मैंने सारे बता दिए कि अगर आप एक पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो दोनों को पता होनी चाहिए ये चीज़ें। मगर एंड टाइम पे आके उसने ऐसे धोखा कर दिया, फिर उसके बाद में पैसे वैसे लेने थे कुछ करना था, वो भी रो धो के पता नहीं कितना टाइम से चलता रहा ये है वो है, हार के फिर एक बार मत्था खराब हो गया मेरा भी, क्योंकि भाई साहब एक वैसे बताता हूँ आपको इतना शरीफ तो मैं भी नहीं हूँ बंदा, तो जब खुंदक आ गई एक बार ही तो करा, फिर ये अगले दिन अपने फादर को लेके मेरे ऑफिस में आ गया कि यार आप समझाओ उनको, वो मारेगा मुझे, ये करेगा वो करेगा इस टाइप से, तो बात बूत करके ख़त्म करा। मतलब कि ये जो है ना इसकी वजह से मैं जितना भी काम करता था ना उससे लगा लो मैं तकरीबन है ना 2 साल फिर से पीछे चला गया था, कि मुझे सब कुछ बनाने में ना दोबारा सारा जीरो करना पड़ा था मुझे। जो क्लाइंट थे मेरे वो तो देखो क्लाइंट जो उनसे हैं वो शक्ल पे आते हैं, बंदे के नाम से आते हैं, क्लाइंट तो जाहिर सी बात है वहां काले वापस आ गए मेरे पास में जो उनसे थे, बट फिर भी पैसा भी जा चुका था और वहां से जो फिर उससे पैसे वापस आने थे वो भी रो रो के आने थे, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई 1-1.5 साल लगा लो तुम कि दोबारा मुझे स्टैंड होने में फिर से 1-1.5 साल दोबारा से लग गया। मगर ये है कि क्लाइंट अच्छे थे मेरे पास में, समझदार क्लाइंट्स थे, कुछ किस्मत भी कह सकते हो आपकी अच्छी थी, और काम करने का तरीका भी देखो जाहिर सी बात है मैं कहूँगा मेरा काफ़ी अच्छा है मेरा अपने मुंह बोलने वाली बात है, तो इस वजह से भी जो उनसे है दोबारा से फिर सारा स्टैंड हुआ। तो ये जो है ये काम कर रहा था इस बंदे ने मेरे साथ में, तो अभी इसको पूरी कहानी हो गई है यहाँ पर, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर इम्पीडेंस वॉट के अलावा और कुछ भी देखना चाहिए स्पीकर्स लेते समय? तो सर इस पे देखो इम्पीडेंस के साथ में आप उसकी वॉटेज को देख सकते हो कि कितने वॉट हैंडलिंग है उनकी, सेकेंडली आप सेंसिटिविटी चेक कर सकते हो कि सेंसिटिविटी कितनी है, जितनी हाई सेंसिटिविटी होगी उतनी आपकी वो स्पीकर जो है वो लाउड होगा।
तो आगे कादिर भाई आपका मैसेज रीड हो गया है यहाँ पर। सुनील जी नमस्कार। अमित जी नमस्ते। सुनील सुनील जी कैसे हो? सुनील जी सर इसने मेरे साथ भी फ्रॉड किया था। ओके सुनील जी आपके साथ क्या किया है इसने? मतलब देखो वैसे कोई बताता नहीं है मगर ये है कि जब बात छिड़ती है ना तो बहुत से बंदे निकल के आ जाते हैं। अब इसके बारे में लगा लो अजीत जी हैं, अजीत जी ने भी मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे किया था। एक हमारे यहाँ पर फारूक जी हैं उनके साथ भी इसने ऐसे किया था। और मतलब कई बंदे अब ऐसा धीरे धीरे पता लग रहे हैं कि जो बताते हैं कि यहाँ मेरे साथ भी इसने फ्रॉड किया था यहाँ ये। तो शर्मा ये कहाँ गए आप? सतीश जी सर यूज्ड पैकेज में हमें कुछ गारंटी मिलेगी क्या अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती हो? क्या उनमें आपके पास लाना पड़ेगा यूज पिक का लाइफ क्या होगा? सतीश जी देखो वारंटी वैसे नहीं होती है उसकी, बट ये है कि पूरा फुली चेक्ड होता है वो सामान। आप भी जब लो उसको तो आप भी उसको तसल्ली से जितनी देर मर्जी के लिए आप जो भी चेक करना चाहते हो वो यहाँ से चेक करके लो उसको। आराम से बैठो चाहे पानी खाना वाना यहीं खाओ सब कुछ तो करो सब कुछ। तो वारंटी नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, देखिए कोई वारंटी नहीं है। अगर आप इंस्टॉलेशन करवाते हो उसकी एक अच्छे लेवल पे, सॉरी लेवल पे नहीं, अगर मतलब कि जैसे इंस्टॉलेशन के लिए अगर आप हमसे संपर्क करते हो उसके चार्जेस होते हैं अलग से। इंस्टॉलेशन अगर आप करवा रहे हो हमारे से तो उसके चार्जेस अगर आप पे कर रहे हो तो तब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ उस चीज़ की। क्योंकि उसमें क्या है कि मैं खुद कनेक्शन कर रहा हूँ उसका तो मुझे पता है कैसे कनेक्शन करने हैं, उस वजह से कोई गलती ना हो तो आपका सिस्टम कभी खराब नहीं होता। अगर आप वो नहीं करवाना चाहते मतलब ये नहीं है कि इंस्टॉलेशन के पैसे हमने लेने हैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप खुद करना चाहते हो तब भी आप मेरे से कॉल पर या फोन पर वीडियो कॉल पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हो। उसे कैसे लगाना है क्या करना है सेटिंग क्या करनी है वो सारी भी आपको मैं बता देता हूँ, बता सकता हूँ उसपे। सर डेक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाओ प्लीज और ये बताओ कि एवी रिसीवर में कौन से और कितने टाइप का डेक अच्छा होता है? सर वीडियो वैसे तो देखो इसके ऊपर डेक के ऊपर ऑलरेडी बनी हुई है पहले, तो वो काफ़ी पहले वीडियो बनी है तो उस टाइम नया नया था मैं भी, हो सकता है वो इतने ढंग से वीडियो नहीं बनी होगी वो वाली। और हमारे जो से ये प्लेयर्स जो एवीआर वगैरह होते हैं इसके अंदर मोस्टली जो है वो 24 बिट का डेक होता है या 32 बिट का डेक होता है। कुछ के अंदर एक ही लगा होता है, कुछ के अंदर तीन लगे होते हैं कि दो, एक होता है सराउंड सेक्शन के लिए, एक फ्रंट सेक्शन के लिए, एक सेंटर सेक्शन के लिए। इस तरीके से बहुत हाई एंड एम्पलीफायर जो से हैं उसके अंदर जितने चैनल हैं उतने डेक लगे होते हैं, हर चैनल के लिए अलग से डेक लगे होते हैं। हाईएस्ट जो सा है वो 32 बिट का डेक लगा होता है। चिप होती है वॉल्वरिन चिप आती है, ब्राउन बोरोन आती है, एक ब्राउन बोरोन चिप होती है वो मोस्टली आपको वहाँ मिलती है लगी हुई। बाकी वीडियो देख लेंगे एक बार, दोबारा बना सकते हैं तो बना भी लेंगे। सुनील जी 5.1 के स्पीकर्स के पैकेज में सब बूफर खराब था। ओके 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 सुनील जी। हेलो जयेश जी कैसे हो? सर मैं बहुत बढ़िया जयेश भाई, आप बताओ आप कैसे हो? और भाई साहब उस बंदे की जुबान देख लोगे ना आप तो इतना मीठा है ना कि किसी को अगर आप बोलोगे ना कि उसने ऐसे किया कोई बिलीव नहीं करेगा कि नहीं वो तो बंदा ही इतना अच्छा है। और उसे अगर आपने देखना है ना आप जब तक उसकी बात से सहमत हो ना तब तक वो आपके साथ सही रहेगा, ठीक है? जब आपने कुछ भी उसको बोल दिया कि भाई तूने ये सही नहीं करा या ये करा या वो, भाई साहब वो अपना असली रंग दिखा देगा बंदा आपको। मैं तो बहुत सालों से देख चुका हूँ उसको। और ये अगर आपके साथ में यार ऐसा कोई भी करता है तो उस चीज को शेयर जरूर करा करो सबके साथ कि और किसी के साथ ऐसा ना हो। नवीन जी डीलर ही है एक गिटोरनी के अंदर, सिने साउंड नाम का डीलर है एक, उसकी बात हो रही थी। सर जी ये अभी 2-3 मैसेज आ गए कि किसकी बात हो रही है। तो ये गिटोरनी के अंदर एक डीलर है एक जो कि कभी पार्टनर ही हुआ करता था मेरा, तो उसके बारे में बात हो रही है कि अभी जब उससे बात छिड़ी तो हमारे चैनल में भी बहुत से लोग हैं जिसके साथ उसने ऐसा फ्रॉड किया हुआ है, तो वो भी सभी अपना अपना बता रहे थे कि मेरे साथ भी उसने ऐसा ही किया था।
हाँ जी जिनेजा जी बता दिया, ये भी मैंने किसके बारे में हो रही है, किसकी बात हो रही है, सेंसुई के एम विंटेज एम्पलीफायर कौन से होते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से। सुनील जी एयू सीरीज आती है इसके अंदर, एयू डी मॉडल्स आते हैं वो अच्छी सीरीज है इसकी, जी सीरीज है इनकी सेंसुई की, जो जी सीरीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसमें अलग अलग मॉडल्स होते हैं। नवीन भाई हो सकता है यार मेरे को भी क्लियर हो नहीं पा रहा था लिस्ट के बारे में, तो ये लाइव जैसे यही ऑफ होता है तो तब तो नहीं। अब मैं काम करता हूँ, इसमें हमारे ना चैनल पर एक कम्युनिटी सेक्शन होता है, तो उस कम्युनिटी सेक्शन में हम मैसेज टाइप कर सकते हैं, तो मैं जो लिस्ट है ना वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा, तो वो आपके पास ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मतलब नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा उसका कि ये मैंने अपलोड किया अभी, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। अब वहाँ पे पता नहीं कितने वर्ड्स का मैसेज जाता है, तो हो सकता है अगर तो ज़्यादा का होगा तो एक ही लिस्ट बन जाएगी, अगर अलग अलग मतलब कि बड़ा मैसेज नहीं जाता होगा तो स्टीरियो एम्पलीफायर्स के लिए अलग डाल दूंगा, एवीआर के लिए अलग से डाल दूंगा मैसेज, इस तरीके से डाल के आपको बता दूंगा मैं, रात को डाल दूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप कभी भी चेक कर सकते हो। सर एम्पलीफायर में डैक होते हैं क्या? सर एम्पलीफायर से आपका मतलब क्या है? देखिए एवीआर जोन से होते हैं, एवीआर के अंदर तो डैक होते हैं, एम्पलीफायर अगर आप स्टीरियो की बात कर रहे हो तो स्टीरियो के अंदर डैक नहीं होते हैं, मगर जोन से अभी नए जोन से डिजिटल डी क्लास के जोन से हमारे नए स्टीरियो एम्पलीफायर आ रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर की डैक का भी ऑप्शन दिया गया होता है। आई थिंक ही क्लोज द शो। नहीं जुनेजा जी नहीं, अभी ऐसा नहीं, अभी तो चल ही रहा है उसका। करोल बाग वाले लड़के के बारे में भी कुछ बताएं, वो भी ऑलमोस्ट फ्रॉड है। सुनील जी ऐसे अगर बात करने लगे तो यार कई बंदे मिल जाएंगे, बाकी ये दो बंदे तो ऐसे हैं कि जो है ही फ्रॉड, और ये जो सा बंदा है ना जो आप ये करोल बाग वाला जो कह रहे हो, तो ये तो यार वैसे ही एक झूठा इंसान है, मतलब जो इंसान अपना नाम तक सच नहीं बताता उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो। इस बंदे का नाम असली जो है वो वरुण नाम है, ठीक है, एड वगैरह देखोगे आप या वैसे देखोगे तो इसने हर एड पे अपना जो नाम है वो तुषार लिखा होता है, कहीं पर इसने मिस्टर मलिक लिखा होता है, कहीं पर कुछ लिख देता है, इस टाइप से लिखे होते हैं। सामान की बात करते हैं तो देखो क्लाइंट ही बताते हैं, मुझे नहीं पता कि इसने एड डाली होती है जैसे ओएलएक्स पर, तो जब सामान देखने के लिए वहां जाओ तो वो चीज इसके पास होती नहीं है, वहां कस्टमर पहुंच जाता है उसके बाद ही उसे बोलता है कि नहीं यार वो तो मेरी ना अभी अभी बिकी है तो आप ये वाली चीज देख लो, या फिर उसकी कंडीशन जो होगी ना वो नेट से लेके फोटोज डाल दी उसमें ऐड के अंदर में लिस्टिंग में और अच्छी कंडीशन वाली फोटोज, जब क्लाइंट ने पूछा तो हाँ जी कंडीशन बहुत अच्छी है या ये है या ऐसे करके आपको बुला लेगा, उसके बाद जब आप पहुंचोगे तो उसकी कंडीशन देखोगे तो वो बिल्कुल कूड़ा निकल के आएगी आपके सामने, मतलब इस तरीके से काम करने वाले बंदे हैं ये, धोखा देने वाले या कुछ भी कह लो। आप ओएलएक्स अगर यूज करते हो, ओएलएक्स के ऊपर अगर आप जाओगे ना मेरी जो एड्स वहां पर आपको शो होंगी, हर एक फोटो ओरिजिनल डली हुई मिलेगी आपको वहां पर, एक ही जगह के ऊपर हर फोटो खींचता हूं मैं, मेरा जो ऑफिस है उसके जो काउंटर है हर फोटो मेरी काउंटर के ऊपर रख के खींची होती है कि लोकेशन जो होती है वो हर फोटो के अंदर मेरी सेम रहे, कि चेंज ना हो कोई भी। आर वाई जी भाई, अमित भाई थैंक्स अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, और मेरे मकसद ये था कि सबको पता चले ऐसे फ्रॉड लोगों के बारे में, एक लोगों की। हाँ बिल्कुल सर, देखो ये तो है ही है आर भाई जी, पता तो देखिए मैं तो खुद कहता हूँ पता होना चाहिए, बट एक्चुअली में होता क्या है ना कि हर बंदा ना इस चीज को सही तरीके से नहीं लेता, अभी भी बहुत से बंदे जो होंगे ना वो ये सोचेंगे कि मैं भी डीलर हूँ वो भी डीलर है, तो इस वजह से मैं उसके बारे में गलत बोल रहा हूँ, इस वजह से बोलते। अब जैसा आपने पूछा तो आपसे मैंने बात शेयर कर ली सारी ये वाली, तो कई लोग ये सोचते हैं कि ये तो यार अपने डीलर है तो कंपटीशन के अंदर है तो इस वजह से बोल रहा होगा, बट ऐसी मेरी आदत नहीं है, कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करता, क्लाइंट मुझे कुछ कहता भी है ना कि वो इतने का दे रहा है या ये कर रहा है या वो कर रहा है, मैं सीधा कहता हूँ भैया आपको सही लग रहा है तो ले लो जाके, मैं उसे पलट के कभी भी ये नहीं बोलता कि वो तो बंदा ऐसा है या वो ऐसा है या क्या है, मतलब बिजनेस के अंदर मैं इस चीज को लेके नहीं आता, और वो मेरे क्लाइंट को इससे पूछ लेते हैं मेरे बारे में तो वो उसको क्या क्या कहानियां सुना देता है कि वो तो कूड़ा बेचता है, वो तो यहाँ से सामान लेकर आता है कबाड़ियों से, वो फिर उसको डेंटिंग पेंटिंग करता है, फिर उसको ये करता है उसको वो करता है, मतलब कहानी बनाने वाली बात है। अब जो तो समझदार लोग हैं वो उसकी बातों में नहीं आते, जो उनसे थोड़े से दिमाग के कच्चे लोग होते हैं वो उसकी बातों में आ जाते हैं बस, बाकी जो चल रहा है जो होना है वो होना ही है, जो मिलना है वो मिल जाना है, उसके लिए आप कोई भी जो मर्जी कर ले यार कुछ नहीं हो सकता उसके लिए।
सुनील जी सही कहा कि मेरे एक जानकार से बात हुई थी। वो बता रहा था कि 2 घंटे वेट किया था उसने, 1 महीने के लिए इसने फोन नहीं उठाया था। सुनील जी किसकी, उसकी तुषार की बात कर रहे हो क्या? जी सर, वोकल स्पीकर्स में कितने वॉट इम्पीडेंस सेंसिटिविटी होनी चाहिए? सर वोकल स्पीकर से आपका मतलब क्या है? आरवाई जी ने सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है सर। यस हाँ जी, वो तुषार ही है। ओके ओके ठीक है। वो तो काफी बंदे उसके बारे में तो यार बोलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो नहीं बोलते, मेरे बारे में भी बोलते होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि यार हर बंदा हर इंसान के साथ सही नहीं हो सकता। आप अगर मुझसे ढंग से पेश आ रहे हो ना, तो मैं आपसे ढंग से पेश आ रहा हूँ। कुछ क्लाइंट्स होते हैं ना, वो तो मतलब इस तरीके से बात करेंगे जैसे उसके नौकर हैं उसके हम। तो भाई साहब वो फिर उसी तरीके से हम भी उनको ट्रीट करते हैं। जैसी आगे से रिस्पॉन्स हमें मिलता है, हम भी फिर उसी रिस्पॉन्स से बात करते हैं। सीधी सीधी सी बात है। मैं यार आपको एक चीज़ बोलूँ, मैं अपना कंफर्टेबल लेवल, जो मेरा कंफर्टेबल लेवल है वो, और मेरी जो सी ईगो है, इन दोनों चीज़ों को ना बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करके कभी नहीं चलता। चाहे उस पर मेरा नुकसान क्यों ना हो रहा हो, मगर मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर कोई मुझसे डील कर रहा है उसमें, चाहे मुझे 1 करोड़ रुपए भी बच रहा है, मगर वो बंदा मेरे से ढंग से पेश नहीं आ रहा ना, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। मैं वो डील कभी उस बंदे से नहीं करूंगा, और उसकी चाटने वाला जो हिसाब होता है वो नहीं करूंगा। उसे लात मार के बाहर निकालूंगा उसको मैं। सीधी सी उनसी बात है। अब तो वैसे बहुत शरीफ इंसान है हम। सेंटर चैनल वाला वोकल स्पीकर्स में कितनी इम्पीडेंस सेंसिटिविटी होती है? असर इम्पीडेंस जो सी है ना, वो ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते आप। उसके लिए आप अपने एम्पलीफायर की इम्पीडेंस देखो कि वो कितने ओम्स तक के स्पीकर्स को सपोर्ट कर रहा है। 4 से 16 करता है, 4 से 8 करता है, 6 से 8 करता है, 8 से 16 करता है। तो उस हिसाब से हमें इम्पीडेंस चूज करनी है, अपनी मर्जी से नहीं करनी हमने वो आप अपने एम्पलीफायर पे देखो पहले कि एम्पलीफायर किसको सपोर्ट करता है, उसके हिसाब से फिर आप स्पीकर लोगे। सेंसिटिविटी जो सी है, सेंसिटिविटी आप जितनी ज्यादा मिल सकती है आपको उतनी ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि जितनी सेंसिटिविटी होगी उतना स्पीकर आपका वो लाउड होगा। और क्या लिखा है आपने, और वाटेज जो सी है वो भी एम्पलीफायर पे डिपेंड करती है। एम्पलीफायर अगर 100 वाट का है तो स्पीकर तकरीबन 150 वाट के लो आप उसमें, वो भी सारा जो है वो एम्पलीफायर पे डिपेंड करता है आपके। जैसी अमित आपको बोला था मैंने 7.1 स्पीकर कंप्लीट सेट के लिए। जय जी बिल्कुल ध्यान है मुझे, पूरा पूरा याद है। एक्चुअली मैं अभी थोड़ी सी यार प्रॉब्लम चल रही थी मेरे साथ में, तो फोन भी मेरा मोस्टली जो है वो दिन के टाइम मुझे ऑफ रखना पड़ रहा था। तो आपसे मैंने शायद इंस्टाग्राम पे बोला भी था कि 1-2 दिन का टाइम दो, तो अभी 1-2 दिन में मैं आपको अरेंज हो जाएगा वो। एक्चुअली मैं ऑफिस जा नहीं पा रहा हूँ अभी भी, रात को मैं सिर्फ लाइव पर आने के लिए ऑफिस आया हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से, लेट भी हो गया था थोड़ा, तो इसी वजह से आया हूँ। तो थोड़ा सा रुकने के मतलब कि थोड़ा सा यहाँ फ्री हो जाऊँ, यहाँ से इस प्रॉब्लम जो सी चल रही है इससे निकल जाऊँ थोड़ा, तो फिर प्रॉपरली रूटीन जो सा है हमारा उसी में आ जाएगी। हाँ तो सर 6 से 4 करता है तो 8 ओम के, सॉरी 6 से 8 करता है अगर, तो 8 ओम के स्पीकर्स आप परचेज करो। स्टैंडर्ड स्पीकर्स होते हैं वो, उसमें आप कनेक्ट करो अपना। रमन जी लेट हो गए आज। सर लेट हुआ तो हूँ, बट थोड़ा सा लेट हुआ। आप तो आप काफी लेट आए हो, क्योंकि अभी ये लाइव लगा लो आप 2 घंटे 5 मिनट पहले शुरू हुई है, तो अभी 10:40 हुए हैं, तो तकरीबन लगा लो आप कि 8:30 बजे के आसपास मतलब पहुंच ही गया था मैं यहाँ पर, शुरू हो ही गया था। थोड़ा सा लेट था, कुछ मिनट्स की बोल सकते हैं कि लेट है। बाकी आप अभी ज्वाइन हो, आपके पास नोटिफिकेशन आई थिंक हो सकता है कि आपको लेट मिली हो। थैंक यू जयेश भाई। सर एवी रिसीवर की वॉट स्पीकर से ज्यादा होनी चाहिए या कम? सर कम होनी चाहिए स्पीकर की जो सी वॉटेज है। अगर आपके जो स्पीकर है वो 150 वॉट है, तो एम्पलीफायर तकरीबन 80 वॉट या 100 वॉट के आसपास लो। अगर आपका एम्पलीफायर 50 वॉट का है, तो उसके लिए स्पीकर जो है वो 80 वॉट 100 वॉट के आसपास लो। मतलब कि एम्पलीफायर जो है वो 30-40% कम पावर का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्पीकर। स्पीकर्स की जो सी पावर हैंडलिंग है वो 30-40% ऊपर की होनी चाहिए आपके एम्पलीफायर से। रमनदीप जी नहीं। ओके 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 सर, आप लेट हो गए।
कोई बात नहीं सर। ओके हाँ, मैंने मैंने मैसेज पढ़ने में गलती कर दी आपकी, आप लेट हो गए हो। चलो कोई बात नहीं सर, लेट आए देर आए दुरुस्त आए, बाकी साथ वो आप तो ये भी एक काफी अच्छी बात है मेरे लिए। तो यार कोई नया व्यक्ति जुड़ा हो ना अगर, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और ऑडियो से रिलेटेड जानकारी चाहता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दें और जो घंटी का आइकन होता है उसको जरूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, और बाकी की वीडियो जो सी पहले डल चुकी है उसको भी एक बार चेक कर लें, हो सकता है कोई काम की वीडियो आपके लिए निकल जाए। और बाकियों से भी निवेदन है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और शेयर कर दिया करो वीडियोस को धड़ाधड़, चैनल को सॉरी, इस वीडियो को मत शेयर करना, चैनल को शेयर कर देना। अगर आप यार एक दिन में एक बार भी शेयर करो ना सभी लोग, तो मुझे पता है कि बहुत ही ज्यादा जल्दी एक अच्छे लेवल पे ये ऑडियो गुरु जी फैमिली जो है वो पहुंच सकती है। एक दिन के अंदर सिर्फ एक बार शेयर कर दो आप चैनल, बस एक बार, इतना तो कर सकते हो। सर HDMI में HDBC अलग क्या होता है और इससे ऑडियो क्वालिटी पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? सर ये HDBC वगैरह जो होते हैं ये सारे हमारे एक रेजोल्यूशन के लिए होते हैं, जिससे कि एक अच्छी से अच्छी क्वालिटी हमें मिल सके। बाकी इसकी कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को होती है, तो इसके ऊपर एक वीडियो मैंने लिख के रखी हुई है अपने, वैसे उसमें डायरी में जो सी भी वीडियो बननी होती है वो मैं लिख लेता हूँ, तो इसकी वीडियो के लिए भी लिखा हुआ है, जो सी कनेक्टिविटी वाली वीडियो आएगी कि HDMI से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कि जो बेनिफिट हमें HDMI में मिलते हैं मगर कोएक्सल या ऑप्टिकल में नहीं मिलते, तो इसकी एक वीडियो मैंने लिख रखी है। तो अब वो बनेगी कब ये, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था कि वो कब बनेगी, मगर जल्दी से जल्दी जो है वो एक वीडियो बनेगी, उसके अंदर ये सभी डाउट जो हैं कि ये HDBC क्या होता है या फिर SDR क्या है इस टाइप से, तो वो सारे जो हैं वो डाउट आपके क्लियर कर देंगे उसमें, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बस। अमित ब्रो एम प्रोटेक्शन मोड सॉल्यूशन की वीडियो बनाओ ना। जैसी मेरे पास ना एम्पलीफायर नहीं है अभी कोई, मेरे को कोई एम्पलीफायर मिल जाए ना जिसके अंदर ये प्रोटेक्शन वाली दिक्कत आई हो, तो मैं यार उसकी आपको ना लाइव उसको करते हुए, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, ऐसे अगर मैं आपको वैसे एक ओरली बताऊंगा ना तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसको समझना मुश्किल हो जाएगा ऐसे। तो मैं वेट सिर्फ ये कर रहा हूँ कि कोई भी मुझे AVR किसी भी कंपनी का हो, वो एक बार ऐसा इस प्रॉब्लम के अंदर, इस फॉल्ट के अंदर वो AVR अगर मिलता है कोई, तो उसको लाइव ही हम करके देखेंगे कि क्या उससे, मतलब कि हमें क्या क्या करने से बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है। और आपको यहाँ एक चीज और बताता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि जब हम उसको करेंगे तो वो हो जाए, मतलब वो वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ सपोज कर लो आप एक उसके लिए, तो वो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वो वीडियो फिर बेकार है वो डालनी, अगर वो ठीक ही नहीं होता तो उसको वीडियो का मतलब ही नहीं बनेगा कोई वीडियो डालने का, तो ये भी एक थोड़ा सा पंगे वाला काम है उसका। तो अगर ये है कि चलो कोई बात नहीं, सेट आ जाए कोई ऐसा जिसके अंदर प्रोटेक्शन की दिक्कत हो या फिर ऑडियो की दिक्कत आ रही हो कि ऑडियो जो है वो आगे ट्रांसफर नहीं हो रही है उसे, तो ये दोनों दिक्कत जो है वो एक ही वजह से होती है, तो वीडियो डन है, वो वीडियो की वो बननी ही बनेगी ही बनेगी। सर तोशी लिंक केबल स्प्लिटर से क्वालिटी कम होती है? सर होती तो है, अगर सच्चाई हम देखते हैं कि अगर आप कोई भी कन्वर्टर यूज करते हो किसी भी केबल्स को किसी और फॉर्म में उसमें कन्वर्ट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है यार फर्क पड़ता है, उसमें क्वालिटी के अंदर फर्क आएगा ही आएगा। रमन जी सर जी किसी किसी में ही किता होता है ऑडियो का, फिर भी जब वीडियो देखता हूँ तो शेयर भी करता हूँ। रमन जी बहुत बहुत थैंक यू है सर आपका, आप बस करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ये भी यार। सर प्लीज रिकमेंडेड साउंड बार विथ वूफर अंडर 15 के। गौरव जी एक वीडियो डली हुई है इसमें, गौरव जैन जी, जिसमें कि शायद टॉप 5 AVR, ओ सॉरी साउंड बार बताई है मैंने, तो
तो उसमें कुछ साउंड बार जो से वो 15 के क्या अंदर अंदर ही है, तो प्लीज़ आप एक बार वो वीडियो देख लो, तो मे भी हो सकता है यार वो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी एक आधी वीडियो काफ़ी अभी तो हैं जो सी बननी है, जो सजेशंस पर ही होती हैं, जैसे कि अभी एक मैसेज मुझे आए हैं जिसमें अंडर 10,000 मल्टी, मतलब उन्होंने तो होम थिएटर बोला है मुझे, बट 10,000 के नीचे जो उनसे मल्टीमीडिया स्पीकर्स हैं उसके ऊपर बननी है, कि 5 टॉप 5 हो गया, और 10,000 से नीचे की साउंड बार है जो सी उसके ऊपर, और 50,000 या 1 लाख से नीचे के जो उनसे हमारे होम थिएटर सिस्टम्स हैं उसके ऊपर, इस तरीके से वीडियोज अभी बनेंगी। सीओ कह रहे थे कि सर अगर 2 AV रिसीवर एक साथ एक ही सोर्स से कनेक्ट से कैसे चला सकते हैं सर। ये सीओ क्यूरोसिटी जी, इसके ऊपर भी यार वीडियो बनी हुई है, आप वो वाली वीडियो देखो कि एक ही एम्प दो एम्पलीफायर को आपस में पेयर कैसे करना है, तो ये वीडियो मैं डाला बना चुका हूँ, वो वीडियो आप पूरी देखो, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक ही सोर्स पे आप दोनों को चला सकते हो उसमें। गुड नाइट कादिर भाई, स्वीट ड्रीम। आर भाई जी बोल रहे हैं, भाई आई एम वेटिंग फॉर माई न्यू हाउस टू गेट डिलीवर्ड, वन डिलीवर्ड होम थिएटर सेटअप करना है, एक रूम है और फुल तक आपके साथ डील होगी और डैनेज अभी सो विद फॉर सिग्नेचर से। बिल्कुल सर भाई जी, आपकी सेवा में हमेशा हम तत्पर हैं। सतीश जी सर, OLX में आपके पोस्ट को कैसे सर्च करें? सर्च करें सर, अगर आप जो एरिया होता है ना, एरिया का ऑप्शन आता है कि एक किस एरिया में आप देखना चाह रहे हो, जो लोकेशन आपकी आ रही होती है वो लोकेशन आप विष्णु गार्डन लिख देना वहां पर, या तिलक नगर लिख देना, या विष्णु गार्डन लिख देना, तो RS ऑडियो इंडिया के नाम से मेरी एड्स होती हैं, वो पता लग जाएंगी आपको। वैसे OLX में जाने से ज़्यादा बेटर मैं आपको बताऊं, आप फेसबुक पर जाइए, वहां पर RS ऑडियो इंडिया सर्च करेंगे तो मेरा पेज आ जाएगा वहां पर, वो ज़्यादा प्रेफर करूंगा मैं आपको, कि आप OLX से ज़्यादा अच्छा है कि वहां पर चले जाए। आई चेक एंड भाई प्लीज सजेस्ट इफ देयर इज बेटर ऑप्शन इन सेम बजट एंड ऑल्सो गुड प्रोजेक्टर डीलर। आर भाई जी, आपने जब भी करना होगा ना ये पैकेज सिस्टम आपके लगना होगा, तो उसी टाइम हम ये सब कुछ डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो प्राइसेस होते हैं ना वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है उसके अंदर। मान लेते हैं कि अभी आपको 1 महीना लगना है, तो अभी का प्राइस आपको जो भी बता देता हूँ मैं, तो हो सकता है कि आने वाला प्राइस जो सा होगा उस समय का वो थोड़ा कम भी हो गया, हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, कुछ फिक्स नहीं है ऐसा, तो इस वजह से उसे एक बार आप उसी टाइम डिस्कस किया जाए तो वो बेटर है। बाकी प्रोजेक्टर की बात है जो सी, प्रोजेक्टर जो सा वो भी आपको अरेंज हो जाएगा, मेरे पास डीलर हैं अच्छे जो उनसे कि ऑल ओवर दिल्ली जिनका सामान जाता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑप्टिमा के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो, तो उनसे हम संपर्क कर सकते हैं, एक अच्छी डील हमें मिल सकती है उससे, तो वो भी उसी टाइम हम सजेस्ट कर लेंगे जब भी आप करवाओगे कुछ भी। सर HDMI ARC से AV रिसीवर और साउंड बार दोनों को कनेक्ट करके दोनों में साउंड मिल सकता है? ARC से कनेक्ट करते हैं अगर, तो आपने सोर्स दे दिया, इसकी आउट हुई थी उसमें डल जाती है इनके अंदर, सॉरी हाँ सोर्स में से, तो इसमें ऐसा है देखो, आप सपोज कर लो ब्लू ब्लू रे प्लेयर है, तो ब्लू रे प्लेयर से आपने जो HDMI है वो दे दिया अपने AVR के अंदर, AVR से आउट निकाली और वो दे दिया आपने अपनी साउंड बार के अंदर, साउंड बार से आउट फिर से निकली जो कि चली गई आपके TV के अंदर, वीडियो भी आनी चाहिए, तो हाँ सर दोनों दोनों में आवाज आ जाएगी आपकी उसमें, मगर यहाँ पर एक चीज आपको और बताऊंगा मैं, अगर आप इस तरीके से इसे पेयर करते हैं ना आपस में, तो आपको जो आवाज है ना, जो इफेक्ट है आपका, वो सर कभी भी सही नहीं मिलेगा उसमें, एक जो सा ना एको क्रिएट होगा इससे आपका, क्यों आपके जो स्पीकर हैं उनकी प्लेसमेंट जो सी है वो अलग अलग आएगी, साउंड बार अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो साउंड बार आपकी सेंटर के अंदर लग जाएगी, जबकि अगर जो होम थिएटर आप लगा रहे हो उसके जो स्पीकर हैं वो साइडों पर आते हैं, तो जब आपका इफेक्ट आएगा मान लेते हैं हम कि लेफ्ट और राइट स्पीकर का,
तो लेफ्ट में से भी आवाज आएगी, सेंटर में से भी आवाज आएगी, और इस साइड के सेंटर से भी आवाज आएगी, और वहां से भी आवाज आएगी, तो वो जो सा इफेक्ट है वो आपका खराब होगा उल्टा। बाकी आप करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो एक बार इसको, अगर आपको मे बी हो सकता है कि ठीक लगे तो आप बिल्कुल चला लेना ऐसे। अगर इससे ज्यादा अच्छा दोनों को पेयर करने के लिए, जैसे कि आप कह रहे हो ना, तो उससे ज्यादा अच्छा जो उनका तरीका है वो यही है कि दो होम थिएटर को पेयर कर लो आप, क्योंकि उसके स्पीकर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम दोनों जो उनसे हैं उनको साथ साथ रख सकते हैं। साउंड बार के अंदर ये ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि वो स्पीकर इनबिल्ट है, तो वो एक ही जगह रख सकते हैं उसको। रमन जी मैसेज डिलीट हो गया आपका। किससे सर रमन जी, किस से चैनल ग्रो होगा? अच्छा ऊपर भी है क्या कमेंट आपका? सॉरी यार अगर मिस कर दिया मैंने, मैं सर चेक कर लेता हूँ एक बार। सर जी किसी किसी में ही कीड़ा होता है, आपको एक करता हूँ तो शेयर भी करता हूँ। ये तो सर पढ़ लिया था मैंने, उसके बाद में आपका रमन जी और मैसेज नहीं है आपका, एक मैसेज जो उनसे वो डिलीट हो रखा है यहाँ पर, जो आपने मुझे मैसेज किया है ना इससे आपका चैनल ग्रो करेगा, उससे ऊपर का जो मैसेज आपने भेजा है वो डिलीट हो रहा है, यहाँ पे डिलीट शो कर रहा है वो मेरे पास, तो इसलिए मुझे पता नहीं लगा कि आपने क्या बोला है मुझे। सीओ क्यूरोसिटी जी कह रहे हैं जी सर 5.1 सराउंड स्पीकर्स के लिए पीछे के स्पीकर्स रूफ पे लगा ये यहाँ। सर जो सराउंड स्पीकर्स आप कनेक्ट करोगे ना वो आपके आपकी सिटिंग के साइड्स पर आने चाहिए, इधर और उधर, मतलब लेफ्ट और राइट पे, और जहाँ तक हो सके जो उनकी हाइट है वो आपके एयर लेवल जो है आपका एयर नहीं सॉरी एयर्स लेवल है, जो कानों का आपका लेवल होगा ना कि कानों के बराबरी से थोड़ा सा ऊपर, कोई 4-5-6 इंच ऊपर की तरफ लगाओ तो एक बहुत अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा उसमें। 1050 पे, 1050 पे मतलब 1050 पे सर वो कमेंट जो 1050 वाला है ना रमन जी वो डिलीट हुआ है यहाँ पर, मेरे को शो नहीं कर रहा हो वहां पर, आपका लिखा हुआ तो आ रहा है कि आपने मैसेज किया है मुझे कोई 1051 पे शो हो रहा है वो मुझे, मगर वो मैसेज जो उनसे वो डिलीट हो गया है। अगर वो डिलीट आपने नहीं किया है ना तो यूट्यूब के अंदर हमारे जो इंटेलिजेंट एक वो सर्विस होती है इनकी कि जो रॉबर्ट सर्विस रॉबर्ट्स होते हैं जो वो जिस मैसेज को कई बार उनको ये लगता है कि ये मैसेज जो है वो सही नहीं है वो गलत चीज बोली है किसी ने तो ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देते हैं। अब वो हो सकता है कि आपके वहां तो शो हो रहा हो बट मेरे यहाँ से वो डिलीट हो चुका है, तो प्लीज एक बार दोबारा भेजिए वो वाला मैसेज आप। गौरव जैन अमित भाई आई है एलजी स्मार्ट टीवी। ओके सर, ओके गौरव जी आगे
डॉल्बी एटमॉस के लिए तो 34 स्पीकर 34 स्पीकर्स की ज़रूरत होती है। तो डॉल्बी सर एक मिनट के लिए होल्ड पे डालता हूँ मैं, एक मिनट, एक पर्ची निकाल लूँ मैं, कहाँ चलेगी। तो आपने क्या कहा था, पढ़ लेते हैं दोबारा से एक बार। सर डॉल्बी एटमॉस के लिए तो 34 स्पीकर्स की जरूरत होती है, तो डॉल्बी एटमॉस 5.1 पे कैसे काम करता है। सर ये किसने कहा है आपको कि डॉल्बी एटमॉस के लिए 34 स्पीकरों की जरूरत होती है। इसकी जो सी स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन जो सी होती है सर एटमॉस के लिए, वो हमारी होती है 5.1.2 चैनल की, यानी कि एक हमारा 7 चैनल का एम्पलीफायर जो सा होता है वो एटमॉस एनेबल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में 5 स्पीकर जो से हैं वो हमारे एज इट इज जो ट्रेडिशनली जैसे आज तक लगते आ रहे हैं, दो हमारे लेफ्ट और राइट फ्रंट पे लगे होते हैं, लेफ्ट और राइट पे एक हमारा सेंटर होता है, दो हमारे सराउंड पर होते हैं वो लग जाते हैं। 2 स्पीकर जो से होते हैं वो एटमॉस के लिए और द हेड हमारे सीलिंग पे लग जाते हैं, तो दो वो हो गए, मतलब कि टोटल जो है वो 7 स्पीकर का चैनल होने चाहिए, 7 स्पीकर का एम्पलीफायर होना चाहिए एटमोस एनेबल। 34 स्पीकर का मुझे नहीं पता आपने कहाँ से देख लिया ये कि 34 स्पीकर होने चाहिए उसमें, ऐसा नहीं है, उसमें आपको 7.2 चैनल का एवीआर लगता है। एटमोस अनेबल होना चाहिए मगर वो कि वो एटमोस को सपोर्ट करता हो बस। कैन आई पेयर विदाउट एनी वायर। सर टीवी 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 से कनेक्ट आप बिना किसी वायर के करना चाहते हो, स्टीरियो सेटअप। अच्छा जेनी साउंड बार विद वूफर। हाँ सर साउंड बार जो चीज आती है वो कई हैं जो वायरलेस सबवूफर के साथ में आती हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हो उसको, वो वायरलेसली वाला आप सबवूफर जिसमें वायरलेस दे रखा हो उसे आप ले लो, तो उससे आपका वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा, वो कोई चक्कर ही नहीं है उसमें। सर डॉल्बी एटमॉस और DTS:X में क्या अंतर है, होता है, और इसमें से कौन सा बेटर है। सर ये देखो DTX हो गया, एटमॉस हो गया, ये जो है ना ये ऑलमोस्ट सभी सेम होते हैं, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। मेनली हमारा डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर कि जो सी चीज़ आप उस पर प्ले कर रहे हो वो क्या है, वो उसको प्रोवाइड कर रही है इस फॉर्मेट को या नहीं कर रही है, उस पर डिपेंड करता है। DTS:X के अंदर सिर्फ ये आ जाता है कि आपको अलग से जो सीलिंग पे हम जैसे स्पीकर लगाते हैं वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए स्पीकर जो है नॉर्मली जो नीचे की तरफ ही हम लगा देंगे, तो उन्हीं स्पीकर में से हमें एटमॉस की फीलिंग भी जो है वो आती है सर। तो एटमॉस मगर ज्यादा एक्यूरेट है। हाँ जी टीवी पे जो प्ले हो रहा है। सर अगर आपके टीवी के अंदर ब्लूटूथ दे रखा है तो आप ब्लूटूथ वाली साउंड बार लेते हैं अगर, तो आप उसको ब्लूटूथ के जरिए आपस में दोनों को कनेक्ट कर सकते हो वायरलेसली। सर जी पूना में होम थिएटर कहाँ से खरीदें। विनोद जी माफी चाहूंगा, देखो पूना के बारे में तो मुझे नहीं पता है, बाकी पूना में मेरा सामान बहुत जाता है, मगर मुझे ये पता है वहाँ पर काफी हैं बंदे जो सा कि यहाँ से हमारे साथ डील करते हैं, वो तो उनको यहाँ से हम पैकेज बनाकर यहाँ से भेजते हैं, जैसे कि आप ये पैकेज अभी तैयार पड़े हुए हैं, ये पूना के नहीं है ये केरल के हैं वैसे, मगर आप इस तरीके से मतलब कि पैकेज जो से वो जाते हैं हमारे। गौरव जी यार मुझे प्लीज़ देखिए ये ऐसे याद में नहीं है मेरे कि 15 से नीचे की, तो आप प्लीज़ यार वो वीडियो आप देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा उसमें, बाकी मेरे को सच्ची में ये है कि याद में ध्यान नहीं है मुझे कि उसमें मैंने कौन सी बताई और कितने की थी, वो मुझे नहीं याद उसके बारे में। बाकी 15,000 के नीचे की बात करते तो मुझे एक मॉडल सिर्फ याद आ रहा है इसका कि पॉल कॉडियो का एक मॉडल है, वो आई थिंक उसमें शो तो नहीं है उस वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि वो बाद में मुझे पता लगा है
उसकी एमआरपी जो है वो है 18,000 रुपये के आसपास की, तो वो तकरीबन आपको कोई 13,000 12-13 हज़ार रुपये के आसपास में आपको वो मिल जाता है। बट वो आपको यहाँ कंपनी में नहीं मिलेगा, इंपोर्ट का सामान होता है, मतलब कि बाहर से आता है, वो बाहर ही लॉन्च होता है, इंडिया के अंदर नहीं है। तो वो विद बिल में मिलेगा आपको, गारंटी भी आप पॉल कॉडियो से ले सकते हो उसकी, अगर गारंटी चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको। अगर वो उसका मॉडल नंबर मुझे याद नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजो मुझे एक, उस पर मैं आपको उसकी डिटेल दे दूंगा। रमनदीप जी, जो मैं कहना चाहता हूँ वो यूट्यूब कट कर देता है। ओके सर, किसी अलग लैंग्वेज का थोड़ा सा यूज़ करो उस पर आप, कि इजीली मतलब जिस तरीके से आप उसको लिख रहे हो ना, तो उस तरीके से वो उसको किसी गलत तरीके में पढ़ रहा है, मतलब कि जो यूट्यूब का जो इंटेलिजेंट सिस्टम होगा, तो उसको थोड़ा सा ना शब्दों को इधर उधर करके ऐसे इस लैंग्वेज के अंदर भेजो कि वो नेगेटिव व्यू में मत जाए। सर, अल्ट्रा चौथो प्रोजेक्ट थ्रो प्रोजेक्टर के ऊपर वीडियो बनाओ। सर जी, वीडियो देखो अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो पे बनेगी, मगर जब तक मेरे पास आ नहीं जाता तब तक नहीं बनाऊंगा मैं उसको, क्योंकि वो जब मैं खुद उसको यूज़ करूंगा उसे, तो उसके बाद ही मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, ऐसे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी तक उनको यूज़ नहीं किया और ना ही मैंने उनको देखा है अभी तक कहीं पर, तो इसलिए मैं उसका झूठा रिव्यू नहीं करना चाहता। तो मैं एक बार उसकी वीडियो बन पहले उसको ट्राई करूंगा, चाहे उसका डेमो मिले या मैं पर्सनली खुद लूँ उसको, या फिर मैं किसी के पास में डेमो ले लूँ उसका, तो तब तक वो वीडियो नहीं बनाऊंगा, मगर मैं जब तक मैं उसे खुद पर्सनली यूज़ ना करके देख लूँ एक बार। LG SL6 के कैसा रहेगा? गौरव जी, मुझे नहीं पता इसके, इस मॉडल के बारे में मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे नहीं पता। यूज में पैकेज बिल्कुल सर भेजते हैं, यूज के अंदर भी जाता है, पूना के अंदर तो बहुत माल जाता है यार। ऑल ओवर इंडिया की शिपिंग है सर मेरे पास, इंडिया के किसी भी कोने में सामान मंगाना चाहो आप, तो आपको वहां तक सामान जो है वो मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू में भी मिल जाएगा, कश्मीर में नहीं मिलेगा, लद्दाख में नहीं मिलेगा, और एक आध कोई ऐसी और जगह है जहां पर नहीं मिलेगा, बाकी ऑल ओवर इंडिया जो है वो आपको शिपिंग मिल जाएगी सर। और शिपिंग की जो कॉस्ट होती है वो अलग से लगती है, मैं आपको ये भी बता दूं, पैकिंग की जो कॉस्ट होती है वो भी अलग होती है। पैकिंग अगर आप नॉर्मल करवाते हो तो एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती उसके अंदर कोई भी, अगर आप उसे लकड़ी के बॉक्सेस के अंदर बनवाते हो तो उसके लिए अलग से आपको पे करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, कोई 500-700 रुपये के आसपास का चार्ज होता है उसका, बाकी जो कुरियर का चार्ज होगा वो अलग से लगेगा आपको। ये तो डेटा हो गया। सतीश कुमार जी, सर पैकेज को बहुत भारी भारी रहते हैं, इसका कुरियर कॉस्ट तो बायर को ही देना पड़ेगा, पड़ता है ये केरल पैकेज को, कुरियर कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा? सर देखो सतीश जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, एक्चुअली में क्या है कि अगर तो आप टावर स्पीकर्स इंक्लूड हैं उसके अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो कुरियर चार्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कुरियर वालों का क्या होता है कि जो हमारी कुरियर की लेंथ होती है ना वो 40 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, अगर वो 40 सेंटीमीटर से ऊपर चले जाती है तो जितनी चार्ज आपका उसका बनता होगा ना, उससे सीधा वो चार्ज जो है वो डबल हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको हम ट्रांसपोर्ट पे डाल देते हैं कि वहां पर वो काफी ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। कुरियर के थ्रू अगर हम टावर स्पीकर्स का पैकेज एक भेजते हैं तो तकरीबन 5,000 रुपये तक का भी हमें खर्चा पड़ता है उसके ऊपर, मगर अगर वही चीज हम ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं तो वो हमारी जो है वो कोई 1,000 या 1,500 रुपये के आसपास में ट्रांसफर हो जाता है। पैकेज अगर नॉर्मल होता है साइज तो वो हम DTDC कोरियर के थ्रू भेजते हैं, जिसकी जो सी कॉस्ट जो कॉस्ट लगती है, जो इसकी शिपिंग लगती है हमारी, वो तकरीबन 1,500 या 2,000 रुपये के आसपास में लगती है। सर, होम थिएटर्स इन अ बॉक्स के AV रिसीवर और अलग से AV रिसीवर में कोई अंतर होता है? बिल्कुल होता है सर, जो से हमारे कंप्लीट पैकेज हमें कंपनी एक बनाकर देती है, जो कि जैसे कि आपने ऑनक्यो के है मोस्टली, जो उनसे ऑनक्यो के देखे होंगे, यामा के देखे होंगे, पाइनियर के हैं, ये आते हैं, ये जो उनसे होते हैं ना, ये एक तरीके से सर लॉलीपॉप होता है, कि जैसे बच्चा जब जिद करता है तो उसको लॉलीपॉप दे देते हैं ना, तो ये वो चीज़ होती है कि जब कोई ज़्यादा जिद कर रहा होता है ना कि नहीं हमने तो भैया हाई एंड वाली कंपनी का होम थिएटर लगाना है, एटमॉस लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है, और पैसे ज़्यादा नहीं खर्चने, तो इस कंडीशन में लॉलीपॉप दिया हुआ है कंपनी वालों ने कि आप इसको, मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता वो परफॉर्मेंस होती नहीं उनकी, ऐसा नहीं होता,
होती है, मगर अगर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं आपके सवाल के हिसाब से कि अलग से आने वाले और साथ में आने वाले हैं, तो जो अलग से हमें रिसीवर्स आते हैं, एम्पलीफायर्स आते हैं, या स्पीकर्स, इवन स्पीकर्स भी अगर हमें मिलते हैं, तो उनकी क्वालिटी जो है वो पैकेज वालों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और बाकी कॉस्ट जो है वो भी आपको पता है कि उनकी कॉस्ट के हिसाब से वो कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड टाइम यार हो चुका है वैसे तो काफ़ी ज़्यादा, अभी 11:06 हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अभी इस सेशन को यार ओवर कर देना चाहिए। आप भी जाइए, खाइए, पीए, सोइए, मैं अभी घर जाऊँ अपने। तो अभी यार एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा था मैं कि जोन सी डैम, ये क्या होता है, ये लाइव जोन सा है ना, ये हमारा जोन सा है, वैसे जो चल रहा था वो बुधवार को भी आते थे हम कभी कभी, और सैटरडे और संडे का होता था, 2 दिन का होता था। तो यार इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि अभी जोन सा है ना हम एक रखेंगे सैटरडे का, क्योंकि संडे की जोन सी है वो मोस्टली छुट्टी होती है लोगों की, तो शाम के रात के टाइम तक वो थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा लाइव में जुड़ सकते हैं बंदे। तो एक जो लाइव है वो हम संडे को किया करें, सॉरी सैटरडे को किया करेंगे, टाइम वही रहेगा 8:30 बजे का, और जो सेकंड लाइव होगा हमारा वो हम करेंगे वेडनेसडे को, कि हफ्ते के बीच में हो जाएगा, एक हफ्ते के एंड में हो जाएगा, तो बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसके अलावा जो वीडियोस उसमें डलेंगी, तो उसके बारे में भी आप कोई डिस्कशन करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। तो एक लाइव शुरू करेंगे हम 8:30 बजे बुधवार को, और एक लाइव हम किया करेंगे 8:30 बजे शनिवार को। तो अभी के लिए यार इस वाले लाइव को तो ओवर करते हैं हम, बाकी आपके कोई कमेंट्स हो तो आप बाद में इसमें भेज सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अभी ये वीडियो जब मैं क्लोज करूंगा सेशन इसका लाइव का, तो ये जितने कमेंट्स अभी तक आप लोगों ने किए हैं ये सब जो उनसे हैं ये हट जाएंगे, इरेज हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, इसमें से कोई भी कमेंट मुझे शो नहीं करेगा। तो अगर आपने कमेंट किया हो और मैंने उसका जवाब ना दिया हो तो आप प्लीज़ दोबारा से कमेंट कर दीजिएगा इसी की कमेंट बॉक्स के अंदर वीडियो के, या किसी और वीडियो के भी आप कर सकते हो जो भी लास्ट में डली हो, तो उस पर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अभी के लिए सर, तो अभी के लिए यार अलविदा चाहेंगे आपसे, तो बाकी जो थोड़े से कमेंट्स आ गए हैं बीच में उनको मैं एक बार ये रीड करके उनका जवाब देता हूँ फटाफट, फिर उसके बाद में हम निर्णय करने चलेंगे। सर होम थिएटर ये तो हो चुका है, माई रूम साइज इज 18:11, कंफ्यूज बिटवीन यामा। विवेक जी, अभिवेक जी अभी आप प्लीज़ कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी दे सकूंगा। सीओ को जो 50,000 के बजट में पैकेज लेना चाहिए या अलग एवी रिसीवर और स्पीकर लेने चाहिए? सर 50,000 के अंदर आपको कंप्लीट पैकेज ही मिलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे वाला नहीं मिलेगा, नॉर्मल साइज का मिल जाएगा, बट जो अगर आप अलग से लेते हो तो वो 50,000 तक का सिर्फ आपको AVR ही मिलेगा, स्पीकर्स जो से हैं वो आपको अलग से और पैसे खर्चने पड़ेंगे उसमें। अमित भाई गुड नाइट, गुड नाइट सतीश जी, आपसे इंस्टाग्राम पे मिलता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सीओ कर 50,000 के बजट में पैकेज लेना, ये तो हो चुका था। और ये सीओ कर सिटी जी, एक ही मैसेज कितनी बार भेजोगे? रमनदीप जी सर जी, सेटेलाइट स्पीकर और बुकशेल्फ स्पीकर की साउंड में साउंड सेम होती है? नहीं रमन जी, सेम नहीं होती, फर्क होता है। जितना बड़ा आपका स्पीकर में ड्राइवर लगा होगा देखिए, उसी हिसाब से वो लाउड भी ज़्यादा होगा, और उसका जो इफेक्ट होगा जो बेस वगैरह देगा वो ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, तो फर्क दोनों में होता है। हाँ सेम प्राइस में है तब भी फर्क तो आई थिंक आएगा ही आएगा, मगर अगर एक सराउंड स्पीकर और एक बुक शेल्फ आपको सेम प्राइस में मिल रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जो सराउंड स्पीकर है वो ज़्यादा बेटर होगा, और जो बुक शेल्फ आप उसी प्राइस का अगर कंपनी दे रही है तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, इसीलिए वो सस्ता होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी अलविदा करेंगे, सीओ क्रोसिटी जी गुड नाइट है आपको मेरी तरफ से भी। तो बाकी यार आप सभी के लिए धन्यवाद है पहले तो आपका सबका जुड़ने के लिए साथ में, और आपसे रिक्वेस्ट भी है एक कि वीडियो को चैनल को शेयर करते रहा करिए अपने प्लेटफॉर्म जो भी है आप यूज़ करती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स है अगर आपके, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कुछ भी आप चलाते हो तो वहाँ पर भी प्लीज़ इसको चैनल को शेयर करा करें, इससे कि एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। और बाकी अभी के लिए आपसे गुड नाइट कहूँगा, और सोइए, खाइए, पिए अच्छे से, सोइए स्लीप टाइट। तो फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के अंदर, अभी सिर्फ यही कहूंगा आपसे यार कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, बस इतना ही कहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो
अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा दोस्तों, जय हिंद, गुड नाइट दीदी। बाकी कोई भी कमेंट्स जिसके रह रहे हैं यार, वो किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट कर देना, वहां पर उसकी बात कर लेंगे, या फिर इंस्टाग्राम पर चले जाओ, ऑडियो गुरुजी 85 मेरा यूजर नेम है, वहां पर भी आपसे मिल लूंगा। तो चलिए अभी के लिए जय हिंद।